8 साल की उम्र में जब हमारे घर के अंदर, लौकिक घर के अंदर, एक तरफ से ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, क्योंकि जैसे आप युगल रूप में हैं तो ऐसे माता पिता भी युगल रूप में हैं, तो उन्होंने जब ज्ञान को स्वीकार किया तो उनकी धारणा को देख के, उनके प्यार को देख के, दादी जी ने, दादी रुक्मणी और दादी ऑलराउंडर, दादी गुलजार दिल्ली में ये थे मुख्य, और इन्होंने दिया परमिशन कि चलिए आप अपने घर में खोलिए और बहुत सारे लोगों की सेवा होगी। तो उस समय स्थिति ऐसी थी कि बचपन होते हुए भी मुझे ग्रुप इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। बच्चों का ग्रुप इकट्ठा करके घर में मैं बुलाती थी और उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाना, माँ बाप को कैसे रिगार्ड करना है और घर में काम कैसे करना है, और सबसे ज्यादा गली की सफाई रखनी है हमको, सबको मिलके, हम बच्चों को इकट्ठा करके 8 साल की उम्र से। तो वो ऐसा माहौल घर में बना रहता था, तो अचानक से उन्होंने गीता पाठशाला खोल ली, तो तब से गुस्सा हुआ हुआ था उन पे कि क्यों घर में ये सब, हमारा भी बंद हो गया बच्चों का काम, उन्होंने अपनी गीता पाठशाला खोल ली। तो वो जो शुरू से चला 10 साल तक रहा, 8 साल से लेकर 10 साल तक, कि जैसे ब्रह्मा कुमारियां हैं, उन्होंने माता पिता को थोड़ा हमसे दूर कर दिया, अलग कर दिया। और वो जैसे ही आते थे व्हाइट कपड़े में, तो हम ऐसे हो जाते थे जैसे सामने भी नहीं आना पड़े, चले जाओ यहाँ से बस। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले, माँ बाप हमारे को ज्यादा थोड़ा ध्यान देते थे, प्यार करते थे, अब सारा समय वेट करते हैं कब ब्रह्मा कुमारी आएगी। तो जैसे होता है ना, बचपन, बचपने का मीठा मीठा, ईर्ष्या बोलो, जेलसी बोलो, जो भी बोलो, तो वो चला। लेकिन ऐसा लगता था कि ये क्यों हो गया, कि ये क्या हो रहा है घर के अंदर में। तो लेकिन उनका जो भगवान के प्रति प्यार है, अभी भी है, विष्णु जी और निर्मल माता जी, उनको बहुत बाबा से प्यार हो गया। और इस तरफ बच्चे घर में तो बड़े होते रहे, उन्होंने हमें जो भी चाहिए वो सब दिया, लेकिन हमने उनको पूरी कोशिश की रोकने की, तंग करने की, कि ब्रह्मा कुमारी इस घर में ना आए, अच्छा हो कि वो बस सेंटर पर ही जाए, यहाँ नहीं हो। तो हम लोग प्लान करते थे, हर वेडनेसडे को आती थी बहन क्लास कराने राजौरी गार्डन से, रुक्मणी दादी आते थे, गुलजार दादी भी आती थी मास में एक बार, और ब्रह्मा भोजन, माँ खाना बहुत अच्छा बनाती थी, बहुत ही अच्छा, तो ब्रह्मा भोजन होता था। तो हम बच्चों को लिपस्टिक वगैरह लगा के सजा देते थे, अभी आपको खिलाना है। तो ये चलता जाता था, और हम प्लान करते थे कि ग्राउंड फ्लोर पे गीता पाठशाला में क्लास हो रही है, तो ऊपर से हम छत से, भाई बहने सब तकिए लगा के डंडों से तकियों को मारते थे, जिससे कि आवाज आए, खूब शोर मचे, और पड़ोसी फिर माँ बाप को आके कंप्लेंट करें कि देखो आप तो सत्संग कर रहे हो और बच्चे बिगड़ रहे हैं, बहुत गलत काम किए, बहुत गलत काम किए। लेकिन शायद ये उनके लिए भी एक अच्छा परीक्षा का समय था, जो उन्होंने बड़ी रॉयल्टी से पार की। एक बार भी कभी भी टच भी नहीं किया उन्होंने इस थीम को कि आप हमें ऐसे क्यों तंग करते हो। वो बस क्या करते थे कि टेबल पर वो ज्ञानमृत रख देते थे, सेंटर पर आई रोज एक नई ज्ञानमृत होती थी, और रात को जब लाइट ऑफ हो जाती थी, सब सो गए, तो वो ज्ञानमृत चुपके से उठा के मैं ले जाती थी कमरे में कि देखिए क्या है। तो 10 साल तक ये सब पता पड़ता रहा क्या हो रहा है। फिर बीच में हर साल, क्योंकि मधुबन जाते थे तो बच्चों को भी ले जाएंगे, तो बच्चों के रूप में मधुबन भी जाते थे, बाबा से भी मिलते थे, और दादियों का बहुत प्यार था। तो मनमोहिनी दीदी के साथ में जैसे कि इनकी पालना हुई, ये जैसे कि मनमोहिनी दीदी को जिम्मेवारी मिली थी कि इस परिवार को, क्योंकि 25 लोग परिवार में इकट्ठे ज्ञान में चले, आपने रजनी दीदी का भी नंबर लिया था शायद, वो भी किया होगा। तो रजनी दीदी, उनकी लौकिक मदर, फिर उसके बाद आगे उनकी मासी, मतलब हमारी जो फादर की जो माँ है, फिर उसके बाद फादर की बहन, फादर की दूसरी बहन, उसके बच्चे,
ऐसे करके एकदम से 2-3 साल में 25 लोग परिवार के परिवार ज्ञान में आए। तो मनमोहिनी दीदी सबकी अच्छी सेवा करते थे, तो उनसे हर बार जब मिलना होता था तो खास प्यार से बिठाते थे, बुलाते थे, अच्छा आप क्या कर रही हो? तो बस मैं बहुत शॉर्ट में जवाब दे के पढ़ाई कर रही हूँ, चुप हो जाती थी। लेकिन ऐसा लगता था कि उनको कुछ खास ध्यान है। तो बाद में पता पड़ा कि बड़ों का इतना प्यार होता है ना बच्चों से कि वो भी चले ज्ञान में। और इसी समय 8 साल की उम्र की जब मैं थी, और आगे भी थोड़ा एक घटना ऐसी हुई जिसको कहेंगे कि रशिया की जो सोवियत यूनियन उस समय था, ब्रिजनेव इंडिया में आई। एक बार 1973 में आए थे, फिर 1980 में आए थे। तो उन्होंने रशियन कल्चर सेंटर के साथ, एम्बेसी के साथ दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, वो सब अलग डिटेल है। लेकिन उनको इंडिया के अंदर रशिया के प्रति जो प्यार दिखाई दिया, उस प्यार से उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमें इनको कुछ भेजना है, रशिया के बारे में सूचना देनी है, ज्यादा से ज्यादा चीजें बतानी है सोवियत यूनियन के बारे में। तो सोवियत नारी और सोवियत विमेन, इंग्लिश में, हिंदी में, और सोवियत संघ और सोवियत यूनियन, ये 4 प्रकार की मैगजीन्स शुरू हो गई हिंदी में और इंग्लिश में। कोई भी चाहे तो फ्री में रजिस्ट्रेशन था, पैसे कुछ नहीं लगते थे। और तो फादर ने रजिस्ट्रेशन कराया, तब हमें नहीं पता था क्या होता है ये सब, लेकिन उन्होंने कराया। तो ड्रामा अनुसार मैं पहले दिन ही जब ये मैगजीन्स घर में आई तो दरवाजे पर मैं खड़ी थी, और मैंने पोस्टमैन की बेल को सुन करके दरवाजा खोला, और जब उसके हाथ में मैंने इतना बड़ा वो बैंडरोल देखा, मतलब एनवलप देखा, और बड़ा ही क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा था, नया नया लग रहा था, तो मुझे आए तो बहुत बढ़िया चीज लेके आया है। तो उसने मुझे दिया हाथ में, कहा कि ये आपके पापा का नाम है, ये आपके एड्रेस पर है, आप इसको ले लो। तो मैंने लिया, और उस पर तो अभी लालच आ गया कि पहले मैं खोलूं इसको, क्योंकि ये अच्छा भारी था, उसके अंदर 2 मैगजीन्स थी, सोवियत संघ और सोवियत नारी। तो उसको कमरे में लेके गई, और कमरे में देखा तो इट वॉज जस्ट अ वंडरफुल थिंग, कितनी बड़े साइज की मैगजीन, कलर और बढ़िया बड़ी बड़ी फोटोज, दूसरी दुनिया। 8 साल की उम्र के बच्चे को क्या मालूम पड़ेगा ये क्या है। लेकिन खोलते खोलते जो अंदर में सेंट्रल पेज तक पहुंची, वहां लिखा हुआ था, आओ रूसी सीखें, आओ रूसी सीखें। अब उस समय की उम्र में वो आओ रूसी सीखें, और वहां पर जाकर के जैसे टिक गई नजर, वो जैसे का आओ तो आओ, तो मैंने सोचा मुझे कह रहा है आओ, तो मैंने बैठ गई उसको देखने के लिए क्या है। फिर टाइम हो रहा था तो लगा कि सबको होगा, क्या लेके आया था पोस्टमैन, तो मैंने वो बीच का पेज फाड़ लिया, इस बुक में से बीच का पेज फाड़ करके अपने पास रख लिया, और किसी को पता ही नहीं पड़ा कि इसमें कोई ऐसा भी पेज था। तो हर मास मैं खड़ी हो जाती थी दरवाजे पर, पता होता था किस दिन पोस्ट आनी है, और वो लेती थी, और क्योंकि उसमें कहा था ना आओ, तो कहा है, बुलाया है तो करना पड़ेगा ना। तो इस भाव से रोज पेज इकट्ठे करते करते अपने आप वो लगभग 10 साल तक, 8 साल से शुरू होकर 18 साल तक सीखती रही, सीखती रही, सीखती रही, सीखती रही रशियन। क्यों कुछ पता नहीं, उस समय कुछ पता नहीं था। और 8 साल में के थे तभी गीता पाठशाला भी शुरू हो गई घर में, फादर भी आ गए थे ज्ञान में। तो ये जैसे कि वो समय था जब बाबा की दृष्टि पड़ी, बाबा ने कैसे तैयार किया वो तो अभी मालूम पड़ता है। फिर कॉलेज में जब जाना हुआ तो फर्स्ट डे ही कॉलेज में एंट्री करते ही वहां के फॉयर में, जो बहुत बड़ी एरिया होता है जब एंट्रेंस में, तो वहां नोटिस बोर्ड्स पर कितने सारे कुछ कुछ सूचनाएं थी,
और उसमें से एक छोटा सा इतना सा कुछ था पेपर, जो किसी और को पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दिया, किसी को भी नहीं दिखाई दिया, और मुझे दिखाई दिया। तो मैंने उसके नजदीक गई, उसकी चार टांगें थी उस पेपर के नीचे कटे हुए थे, उस पे फोन नंबर दिखाई दिया, उस पे लिखा था कि आज से दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ चार्ज रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है रशियन लैंग्वेज डिप्लोमा कोर्स करने के लिए। पहला दिन कॉलेज में, पहली एंट्रेंस, और उसी समय ही ये दिखाई देता है, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तो क्लास में भी नहीं एंटर किया, मैं उसको लेकर के रशियन कल्चर सेंटर चली गई, जो एड्रेस लिखा हुआ था। और लेके जब चली गई, वहां पर देखा तो ये सब तो क्या है, कौन सी दुनिया है। फिर भी पता नहीं क्यों टांगे अंदर जा रही हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन कर रही हूँ। और गई, रजिस्ट्रेशन कराया और शुरू हो गया, कोर्स शुरू हो गया। फिर डिप्लोमा भी कर लिया, पोस्ट डिप्लोमा भी कर लिया। तो पोस्ट डिप्लोमा करने के बाद एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके जिसमें वो स्कॉलरशिप के लिए चुनते हैं पूरे इंडिया से। तो उसके अंदर में वो तीन चार चीजें देखते हैं। एक तो एज ए ह्यूमन बींग, कितना उसके अंदर में क्या है, ह्यूमन बींग क्या है। और दूसरा वो देखते हैं ट्रांसलेशन की कैपेसिटी कितनी है, सिंपल टेक्स्ट की। और तीसरा वो देखते थे कि पोइट्री, पोइट्री को, कोई भी गीत को कैसे कितना कर सकते हो, उनकी एस्थेटिक सेंस कितनी। तो इन तीनों चीजों के टेस्ट में मेरे 99% मार्क्स आए। और जब उन्होंने एक पुष्किन की पोएम दी ट्रांसलेशन करने के लिए, और वो बहुत ही पुष्किन फेमस यहाँ के सिंगर हैं, और उसके अंदर में जो मैंने उसको देखा उस पोएम को, मुझे लगा कि इसको तो बहुत बढ़िया ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सब जो भी थे गर्ल्स एंड बॉयज उस क्लासरूम में, पहले वो ट्रांसलेट करके सुना रहे थे। तो मुझे बड़ा बोर लगा, मैंने कहा ये तो इतनी बढ़िया बात है, ये कैसे कर रहे हैं। फिर सोचा मेरी बारी भी आएगी। तो तब तक वो हमारी जो मैडम थी, उसकी आशा जो है खत्म हो चुकी थी कि शायद कुछ अच्छा ना सुनने को मिले। तो लास्ट में जब मेरे टेबल पर आई, तो मुझे लगा कि अब मेरे को तो सुनेगी भी नहीं, लेकिन बैठ गई सामने, कहते अच्छा बोलिए आप, अभी आप सुनाइए। तो फिर मैंने कहा ये ना मैं तीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकती हूँ, एक तो पंजाबी में, एक तो हिंदी में, और एक इंग्लिश में, तो आपको कौन सी में करूं। तो कहती है कि तीनों में कर दो। तो बैठ गई, तो मैंने उसको पहले पहले पंजाबी में ट्रांसलेशन किया। तो उसकी जो लाइन थी वो ये थी हिंदी में, खुशी तुम किधर उड़ रही हो, तो खुशी जवाब देती है उस दिल में जो प्यार करता है। फिर जवानी से पूछता है, जवानी तुम किधर उड़ रही हो, तो जवानी फिर जवाब देती है उस दिल में जो प्यार करता है। तो ये कितनी डीप बात थी, तो लेकिन उस डेप्थ को पंजाबी लैंग्वेज में इतना बढ़िया वो आ जाता है, खुशी तो कितने उड़ी जानी उस दिल विच जेड़ा प्यार कर दाए, जवानी कितने दिए जल्दी उस दिल विच जेड़ा प्यार कर दाए। बस वो सुना उसने, तो वो तो ऐसे हो गई जैसे मस्त, कितनी इतनी सुंदर लगती है हमारी पोएम इस भाषा में, इतनी सुंदर लगती है। फिर उसने मुझे सिलेक्ट किया एनुअल फंक्शन में, उसने वहाँ के जो डायरेक्टर थे उनको रिक्वेस्ट किया, स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेशन हो गया। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि अभी तक जो मैं पढ़ रही थी वो घर में किसी को बताया नहीं था, कॉलेज पूरा करके शाम को चली जाती थी, क्योंकि पता था कि वो ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं, तो उनको गुस्सा आएगा कि वो तो कहते थे दुनिया खत्म होने वाली है, अभी सब विनाश होने वाला है, ये सब क्या कर रहे हो, तो ये बोलेंगे तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं घर में किसी को नहीं बताया था। बहुत पढ़ती थी, सुबह 6 बजे से निकलना, रात को 9 बजे आना,
एक मिनट भी टाइम कहीं नहीं वेस्ट होता था। तो दिन में पढ़ते पढ़ते 2 घंटे होते थे जब कॉलेज से जाते थे, तो फिरोज शाह रोड पे ये रशियन कल्चर सेंटर है, उसके साथ सामने एक और सेंटर था, तो वहाँ पर बॉटिक का भी कोर्स ज्वाइन कर लिया, 40 मिनट्स बॉटिक का, पॉटरी का भी कर लिया, और उसके साथ साथ में कुछ ऐसी छोटी छोटी और भी कलाएं थी। वो 3 साल के अंदर में ये सब करते करते बीच में एक साल ओडिसी क्लासिक डांस भी सीखा अपने कॉलेज के नज़दीक एक सेंटर में। तो ये बड़ी शांति से चल रहा था, घर में ब्रह्मा भोजन होते रहते थे, ब्रह्मा कुमारी आती थी, यहाँ पढ़ाई में लगे थे, फिर बीच बीच में मधुबन में ले जाते थे पेरेंट्स। आखिरी बार जो थी वो एक बच्चे के रूप में मैं कहूँ, 79 में जब मीटिंग हुई तो बाबा ने, उस समय परिवार सामने था, मनमोहिनी दीदी ने बाबा के सामने लाके खड़ा किया, बाबा ये अब अच्छा पुराना परिवार है, बड़ा परिवार है। तो बाबा ने सबको कुछ ना कुछ वरदान दिया। तो जब मेरी बारी आई तो बाबा ने कहा कि सौभाग्यशाली हो, बहुत अच्छे घर में जन्म लिया है। तो इतनी इमैच्योर बचपन की स्टेज थी, जो ये सुन के महावाक्य मुझे उस समय संकल्प आया, कहाँ से अच्छा घर, ये तो सारा दिन ब्रह्म कुमारियों के साथ रहते हैं, हमें तो कुछ समय ज्यादा देते नहीं है और कुछ बाहर का खाने भी नहीं देते। ऐसा ऐसा भगवान के सामने खड़े होकर के ऐसा संकल्प आया, लेकिन क्या प्यार बाबा ने दिया, सौभाग्यशाली आत्माओं, अच्छे घर में जन्म लिया। तो बाद में मालूम पड़ा, महसूस हुआ कि अगर इस घर में जन्म नहीं लेते तो इतनी जल्दी इस जीवन को भगवान के समर्पित करने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि बहुत से परिवारों में कन्याओं को पूरा जीवन आध्यात्मिक बनाने का, ईश्वरीय सेवा में लगाने में कितने विघ्न आते हैं, जिम्मेवारियां होती हैं। और यहाँ तो जैसे ही मैंने डिसाइड किया, बस एकदम पहुंच गई भगवान के घर में। तो ये जब सीन चल रहे थे, उस समय घर में इन्होंने सर्टिफिकेट भेज दिया स्कॉलरशिप का, रशियन कल्चर सेंटर वालों ने, हमारा एड्रेस जो था, 8 साल की फ्री ऑफ चार्ज साइंस स्टडी के लिए। अब मेरा कॉलेज में ग्रेजुएशन जूलॉजी ऑनर्स पूरा हो चुका था, तो वहाँ से जब मैं आई तो दिखाई पड़ा कि ये आज तो गुस्से का कुछ वातावरण है। जो फादर सीढ़ियों के ऊपर खड़े थे, मैं एंटर करने वाली थी घर में, तो बिल्कुल उनके हाथ में कुछ था कागज, तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो वो जो स्कॉलरशिप के कागज थे मेरे सामने ही फाड़ दिए, सब फाड़ दिए एकदम से। वो 8 साल की फ्री स्कॉलरशिप, मतलब रहना, खाना, स्टडी करना, पूरा जो भी करना है करो सोवियत यूनियन, और मुझे पता तक नहीं था सोवियत यूनियन क्या है, भाषा में पढ़ रही थी, क्यों पढ़ रही थी कुछ पता नहीं था। अभी इनका गुस्सा देखा, और मैं जब उनको लगा कि शायद मैं परेशान होंगी तो उनको फिर डांटने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं तो शांति से पास करके कमरे में चली गई जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो संकल्प ही नहीं कि कोई देश, इससे भी पार कोई देश है जहां पर जाना है, नहीं, यही देश है मेरा भारत देश, मेरा जीवन, और कुछ सोचा ही नहीं था। चलो, तो ये गुस्सा उनका शीतल हो गया, लेकिन उन्होंने कहा, देखो तुमने कितना हमें, मतलब शब्द, कड़ा शब्द किया उन्होंने यूज, कि हमसे छुपाया, तुम शूद्रों के साथ जाके बैठती थी और तुम उनके साथ मतलब उनके वातावरण में मीट खाने वालों के काले कपड़े में, तुम ये क्या किया तुमने। मैं चुप, क्योंकि हो गया ना, तो मुझे क्या पता मैं क्यों कर रही हूँ, मैं जवाब क्या दूं आपको, मुझे तो हो गई वो बात। फिर वो ये समय वो भी था जब मैं, क्योंकि ग्रुप बना करके कुछ ना कुछ लोगों को मन करता था कि तंग करने से बचाओ, कोई घरों में किसी को परेशान करता है या किसी के साथ इनजस्टिस करता है, तो ये भावना भी बहुत रहती थी इतनी छोटी एज में। और देश का कल्याण होना चाहिए, वो मोहल्ला, शहर,
ये तो कुछ समझ नहीं आता था, देश सीधा ही देश, वो क्यों इकट्ठे करते हो, पूछते थे माँ बाप, ये बच्चों को रोज इकट्ठा करके बैठ जाते हो, तो हमारे देश का कल्याण होना चाहिए ना, ये भाषा निकलती थी उस समय, क्यों ये भाषा निकलती थी कुछ नहीं मालूम था। तो ये इसी माहौल के अंदर वो बीच बीच में कभी कभी आंसू भी बहते थे देख करके, बीच में इंदिरा गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ, मर्डर हुआ, तो भी स्थिति भी काफी खराब थी, उससे पहले भी इमरजेंसी जब लगी थी, तो ये जो इमरजेंसी के दृश्य में रोती थी, मैं कहती थी मेरे देश को बचाना है मुझे, ये नहीं होना चाहिए, तो मैं बैठ जाती थी ऐसे शांति में, मेरे देश को कैसे बचाऊं मुझे, तो इसी वातावरण में चक्कर में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फादर एक बार कहीं ले गए थे, ग्रैंडफादर थे शायद मेरे साथ, तो उनका कोई फ्रेंड था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, तो उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची ये सब काम करती है, आप इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एडमिशन दिलाओ। तो दिल्ली शाखा की, उस एरिया की शाखा की मैं प्रधान भी बन गई एक साल में, और तलवार चलाना, आग पे कूदना, मोटरसाइकिल चलाना, और ये सब स्वतंत्रता सेनानियों की सब जो जीवन गाथा है वो समझना पढ़ना, ये सब खूब हुआ। और मुझे लगा कि ये सब तो हुआ, लेकिन देश को कैसे बचाएं। और ये करते करते कॉलेज पूरा हुआ, कॉलेज की छुट्टियां थी और आगे मुझे एमएससी के लिए भी सारी तैयारी करनी थी, तो उस समय फादर को मधुबन जाना था, और मधुबन के जाने के दो दिन पहले ही बिजनेस, प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस था, अभी भी है, ब्रदर संभालते हैं, तो उनको उस समय कुछ प्रॉब्लम आई, जिसके कारण उन्होंने दादी रुक्मणी जी को कहा, राजौरी गार्डन में थे, जो राजौरी गार्डन से ही हमारी सब ज्ञान की शुरुआत, मेरी शुरुआत और ज्ञान की पालना हुई है, और उन्होंने, दादी ने कहा, उन्होंने कहा कैंसिल कर दीजिए हमारी टिकट, तो दादी ने कहा विष्णु संतोष को भेज दो, तो उन्होंने कहा दादी ये तो क्या कहा था शब्द, रावण की बेटी है दादी, ये तो काले कपड़े डालती है, और दादी इसने तो अभी कल पता पड़ा कि ये रशियन कल्चर सेंटर में जाके 3 साल शूद्रों के साथ बैठ करके रशियन सीखती थी। तो दादी ने जब सुना तो दादी कहा विष्णु ऐसे कन्या को नहीं बोलते, आप उसको भेज दो। तो जब उन्होंने सुना तो मजबूरी में आके मुझे कहते हैं, दादी कहती है कि ये मधुबन जा सकती है, इसको भेज दो। तो मैंने सोचा कि अच्छी बात है, माउंट आबू में हवा खाएंगे, ठंडी हवा खाएंगे, और क्योंकि ज्ञान तो सुनने का इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, और थोड़ा घूमेंगे, और एक हफ्ते के बाद अच्छा है, थोड़ा फिर आगे के लिए कुछ तैयारी करेंगे। और वहां पर कोई टच करता नहीं था, सबको पता था इनको सुनने की थोड़ी एलर्जी है, ज्ञान को प्रेशर में नहीं आना चाहते। तो वहां जब पहुंची और टाइम आ चुका था, 18 ईयर की एज थी उस समय, और टाइम आ चुका था जो कुछ भगवान जी को पहले सिखाना था, पढ़ाना था, शायद करा चुके थे। और वो ट्रिप के अंदर अकेली भी थी मैं मधुबन में, परिवार वाले नहीं थे, तो बाबा जैसे ही सामने आए, बाबा सामने बैठे, मुरली शुरू हुई, और जैसे एंट्री हुई दादी गुलजार के तन में, ऐसे कुछ हो गया, अरे माय गॉड, ये तो भगवान आ गया है, मैं क्या कर रही थी। तो वो जो सेकंड था जीवन लीला, प्रभु ने अपने हाथ में ले ली अपना, उन्होंने ली हुई थी पहले कठपुतली की तरह से, फिर अभी तो फूल ले ली, और लेने के बाद मतलब ये हुआ कि दिल जो था जुड़ गई, और ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी बहुत प्यार करेंगे बाबा, बहुत प्यार करेंगे। देखा सबसे बाबा मिल रहे थे अलग अलग, तो मेरी भी बारी आएगी, आज मुझे महसूस हुआ बाबा बहुत प्यार करेंगे। तो बाबा के सामने जब आई, उससे पहले एक बहन जो थे
उनका भी आप अनुभव रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं नाम आपको अलग से बताऊंगी। उनको बाबा ने बहुत प्यार से बात की, बहुत प्यार से, कुमारी थी वो भी, और बाबा ने उनको कहा कि अभी आप सेवा में आ जाओ। तो उन्होंने कहा, बाबा अभी माता जी की सेवा करनी है, अभी नौकरी करनी है, फिर थोड़े समय के बाद। तो मुझे वो सुन करके ऐसा लगा कि ये क्या, इनको तो यहाँ से उठा के बाहर कर देना चाहिए, भगवान कह रहे आ जाओ तो यहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान, जब भगवान कुछ कहता है उसको ना नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे तो आज पहले पहले दिन ही प्यार हुआ था ना भगवान से, मतलब ऐसी समझ से, तो मुझे लग रहा था बस जो कहे वो करना चाहिए। ज्ञान नहीं पता था ना क्या होता है, कर्मों का खाता क्या होता है, कैसे कैसे हमें सारी श्रीमत का पालन करना होता है, ये सब नहीं मालूम था उस समय। तो उसके बाद मेरी बारी थी, तो मुझे नशा था कि मुझे तो खूब प्यार करें, क्योंकि मुझे तो जो कहेंगे मैं वो करूंगी। तो बाबा ने मुझे देखा और बोला, क्या करती हो? मैंने कहा स्टडी करती हूँ। अच्छा, डबल स्टडी करो। तो मैंने सोचा तो शुरुआत है, अभी बातचीत तो आगे होगी, लेकिन बाबा एकदम चुप, डबल स्टडी कहने के बाद चुप। तो वो दूसरा धक्का लग गया कि ये क्या, कि मैं इतनी ना पसंद हूँ भगवान को, जो उससे पहले वाले से तो इतनी अच्छी बात की और मैं तो कुछ हुआ ही नहीं क्या, बस डबल स्टडी करो और जाओ। तो वो जो लगा धक्का, मैं गई नहीं, हिली नहीं, सामने खड़ी हूँ, तो बाबा को लगा ही तो जाएगी नहीं, तो दूसरा भी लड्डू दे दिया। पहले एक लड्डू दिया, फिर दूसरा लड्डू दे दिया कि शायद दूसरे के बाद चली जाएगी। तो उसके बाद वो पहले लड्डू को तो मैंने ऐसे क्रश कर दिया था, क्योंकि ऐसे कुछ रिजेंटमेंट हो रहा था कि क्या हो गया, मैं तो इतनी भगवान के प्यार के लायक ही नहीं हूँ क्या मैं। फिर दूसरा लड्डू मिला, तो उसके साथ बाबा ने फिर कहा, पहले कहा डबल स्टडी करो, फिर कहा सेवा करो। बस फिर तो लड्डू दूसरा लिया और सीधा नॉन स्टॉप कमरा जो मिला हुआ था वो गई, उसका दरवाजा बंद किया और वो सागर बहा आंसुओं का, जो वो सागर बहा सारी रात, सब तक के गीले हुए कमरा बंद। और सुबह जो थी वो संतोष मर गई, वो मर गई, पुरानी खत्म, दूसरी संतोष थी वो, एकदम दूसरी संतोष। अब बस मुझे जो याद किया, मैंने क्या बोला बाबा ने, डबल स्टडी करो और सेवा करो। बस अब मैं अगले दिन इंतजार कर रही थी कि जाएंगे, एकदम चुप, एकदम दूसरी संतोष। घर में गई, रूम को बंद कर दिया और रात को जा करके जो गीता पाठशाला थी उसके नीचे जो, मतलब एक कबर्ड्स वगैरह थी, उसमें जितनी भी 1969 से लेकर के 80 तक की, 82-83 तक की जितनी भी अव्यक्त मुरलियाँ थी, साकार मुरलियाँ थी, वो सब लेके रूम में आके रूम का दरवाजा बंद कर दिया और उसको दिन रात पढ़ना शुरू कर दिया। डबल स्टडी करो, ये कहा बोला ना बाबा ने, तो बस डबल स्टडी करनी। तो जैसे मैं पढ़ती जाऊँ, पता पड़ता जाए भगवान क्या चाहता था, फिर रूम, फिर आंखों का आंस सागर निकलता जाए। तो दरवाजा नहीं खोलती थी मैं, वो माँ जो थी वो खिड़की में से आके खाना देती थी, क्योंकि मैं रोती थी तो मैं वो रोता हुआ चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। मुझे लगता था कि सब कहेंगे देखो अभी आ गई ना लाइन पे, तो वो मैं नहीं सुनना चाहती थी कि लाइन पे आ गई। मैं चाहती थी कि मेरा प्राइवेट रहे बाबा के साथ, जो बाबा ने मेरे साथ ये जो किया है, मैं उसको अभी बाहर दिखाने, मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा था ये क्या है, तो मैं दिखाऊं क्या किसी को। तो वो खाना मिल जाता था, मुरली पड़ती थी, तो बस छह मास में बिल्कुल दुनिया परिवर्तन हो गई। और ये हो गया कि इसलिए तो उसने मुझे प्यार नहीं किया, वो कैसे करता मुझे प्यार, क्योंकि मैं क्या किया था, मैंने जीवन में तो कुछ किया नहीं ना, मैं तो अपने को क्या समझ के चल रही थी। तो बस फिर अगला सीजन शुरू होने वाला था, सब मैंने जितना भी कुछ अपना था सब पैक करके कि अब तो मैं आपकी हूँ, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार कन्या जो है वो अपने आप तो नहीं गएगी ना वर को,
अभी आप को मैं चाहिए तो आप मुझे कहेंगे। मैं बाबा से ये वाली बातचीत सेट करके मधुबन के लिए, अगला सीजन शुरू हो गया था ना, तो हम जा सकते हैं ना अगले सीजन में मिलने, तो ये तैयारी करके गई थी। घर में सब कुछ, जितनी भी एक कन्या को ज्वेलरी मिलती है दादा से फादर से, सब वो पैक बना के भंडारी में डाल दिया था। और पहुंच गई मधुबन में, और मधुबन में बाबा के सामने जब बैठी एकदम अभी शांत, पिछले वाले 6 मास पहले बिल्कुल दूसरा था। ऐसे लग रहा था बाबा प्यार करे प्यार करे, और अब लग रहा था और है कौन जिसको प्यार करेगा, मैं ही तो हूँ। तो बाबा ने दृष्टि दी बहुत देर तक, समझती हूँ 10 मिनट 15 मिनट तो थे। तो दृष्टि देने के बाद बाबा ने कहा, बच्ची समझदार है, बाबा का इशारा समझा, आपकी गीता पाठशाला छूटी हुई, अब बेहद के बाप के पास आ जाओ। तो मैं तो फाइनल करके गई थी, मुझे वापस नहीं आना, और आपको चाहिए तो आप हाथ मांगेंगे। तो जैसे ही बाबा ने कहा, बस ऐसे लगा कि धरती है ही नहीं नीचे, एकदम बिल्कुल जैसे ट्रांस में चले जाते हैं। तो वो क्षण और ये क्षण, मुझे लगता है कि मुझ आत्मा ने उस सेकंड में ही सारा जीवन जिया है। और वो जो हाथ में हाथ देते हैं भगवान की, गोपी वाला नहीं था ये प्यार, ये तो मैं जानती हूँ, राधा वाला था। माना तड़प करके बिछड़ वाला नहीं, तेरे साथ ही रहना है और अधिकार से रहना है, आप पूरे के पूरे मेरे और मैं पूरी की पूरी आपकी। एक इतना बड़ा क्लियर डिसीजन था, मैं पूरी की पूरी आपकी, उसमें से जरा सी भी किसी, एक संकल्प भी किसी का नहीं, एक दिन भी किसी के लिए नहीं, एक क्षण भी किसी के लिए नहीं। तो ये संबंध था। तो राजयोग परमात्मा के साथ खाली एक एब्स्ट्रैक्ट, जिसको कहें मेडिटेशन कर लो जी, एक बिंदी है, वो नहीं, लेकिन संबंध भगवान से, संबंध धरती पर रहते हुए कैसे निभाना है कि वो सचमुच में मेरा बाप हो, सचमुच में मेरा साथी हो, जीवन साथी हो, सचमुच में मेरा टीचर हो, सचमुच। तो ये जो सचमुच, तो सचमुच में थ्योरेटिकल थोड़ी होता है, सिर्फ संकल्प थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल भी तो होता है, लाइफ भी तो होती है। तो कॉलेज में जब पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते जैसे होते हैं स्टूडेंट्स, कोई अजीब प्रकार के होते हैं, कोई थोड़े ऐसे होते हैं जो लगता है आपको समझते हैं, तो ऐसे करके कुछ क्लोजनेस किसी आत्मा के साथ थी। उनके पेरेंट्स को भी लगता था कि ये, इसको हम अपने घर की बहू बनाएंगे, ऐसे करके भी संकल्प थे। तो उसमें जैसे ही बाबा की समझ में आई, तो बस बाबा ही मेरा है, वो सब प्लान्स तो सब कैंसिल हो गए। तो उनके परिवार ने और उस आत्मा ने कोशिश की, ब्रह्मा कुमारी का जादू, उन्होंने तो ये समझा कि इसके ऊपर में ये पढ़ी लिखी है, साइंस की स्टडी की है, इसको उतारना चाहिए। लेकिन उस समय वो तो नहीं जानते थे कि तो भगवान आ गया है जिंदगी में, और मैं भी कुछ समझा तो नहीं पा सकती थी, मैं सिर्फ भगवान के प्यार में थी। तो वो हो गया, समय पास हो गया, और बाबा ने जब इस प्रकार की वरदान दिया, बाबा के पास आ गए इस सेंटर पर, तो संबंध जो है वो मेरा बाप है। तो बस काम पूरा। तो मैं अपना सूटकेस लेके घर गई नहीं, वो जब 6 मास के बाद जब सेंटर पर गई, तो सीधा राजौरी गार्डन में सूटकेस उतारा। तो सबने सोचा कि एक हफ्ते के लिए रहेगी, फिर परेशान होकर चली जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार के घर में रहते हैं, जो फैसिलिटीज हैं, और जैसी ये आजकल की स्टूडेंट मॉडर्न होते हैं, साइंटिफिक स्टडी की हुई है, चली जाएगी एक हफ्ते में परेशान होकर। लेकिन 40 साल से भी ऊपर हो गई, एक दिन भी घर नहीं गई नाइट स्टे के लिए, एक दिन भी नहीं गई, एक दिन भी। हाँ गए, हेलो किया, और अभी तो 30 साल से रशिया में है, तो एक बार भी नहीं जाना हुआ, लेकिन उससे पहले भी गए तो जस्ट 1 घंटा।
तो क्यों? क्योंकि ये था कि मेरा बाप, ये आत्माएं हैं और मेरा बाप सच्चा वो है, और ये वो भी क्योंकि ज्ञान में है और बाबा उनके साथ अपने आप अपना ध्यान रखेगा, सब अपना पालना अपनी ज्ञान से कर सकते हैं। कन्या तो वैसे भी पति के घर में जाती है और भारतीय संस्कृति के अनुसार पति ही परमेश्वर है, ये सिखा रहे थे हर जगह। तो अब परमेश्वर जब पति के रूप में मिल गया, अब मैं कैसे किसी को अपना समय दूं? अब तो मुझे इसी को ही समय देना है, और वो बाप भी है। तो अब मुझे उस बाप से सब कुछ लेना है। तो रजौरी में जब गई थी तो दिसंबर का समय था, तो मेरे पास में एक वाइट ड्रेस थी, बस दो वाइट ड्रेस थी, एक नाइट की एक सुबह की। तो मैंने एक साल तक किसी से कुछ नहीं कहा, सबने सोचा सब कुछ इसके पास है, सर्दियां थी और बाबा है ना, बाबा को जो चाहिए वो देगा बच्चे को ना, मुझे क्या सोचना है। तो ये जो शरीर था, ये वाला है जो अभी, उसको इतनी सी सर्दी, एकदम जुकाम खांसी बुखार हो जाता था। लेकिन वंडरफुल कि जुराब भी नहीं थी, गर्म कपड़े भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन नशा था। मैं आत्माओं में, मैं आत्मा हूं और परमात्मा मेरा बाप है, उसको देना है तो वो देगा ना, मैं क्यों मांगू किसी से? मतलब घर से भी सोचने का ये सिस्टम नहीं मालूम था कि 5 साल ट्रायल होता है, फिर घर वाले उसका ध्यान रखते हैं कन्या का, जो भी सेंटर पर आती है, वो सब कुछ नहीं मालूम था। बस आ गई ना, रह गई, और वो देख करके लोग उनको ये भी नहीं लगता था कि इसके पास नहीं होगा शायद। तो ड्रामा अनुसार अब बाद में मालूम पड़ा कि वो मुझे तैयार कर रहा था आगे की ठंडी के लिए, -30 -40 के लिए तैयार कर रहा था। एक विंटर भारत की, इंडिया की, वो विंटर बिना जुराब बिना गर्म कपड़ों के जो बिताई और शरीर को कुछ नहीं हुआ, तो वो जैसे कि शरीर के कर्म भोग जो है वो उसने चला दिए भगवान के प्यार ने, और 3 सालों से अभी यहाँ पर है, एवरीथिंग वंडरफुल। शरीर जो है वो पूरी अच्छी तरह से उसको फेस भी करता है। तो ये वहां का जो रहना था बाप के संबंध का आगे बढ़ा, 1 साल तक पूरा बाप के संबंध में रहने से वो आत्मा को ये हो गया कि सब कुछ उस बाप से लेना है। और इस धारणा ने, इस शक्ति ने बिल्कुल खाली हाथ आकर के जब रशिया में सेवा भी हुई तो भी किसी चीज की जरूरत, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, सब ज्ञान के आधार से, जैसे ज्ञान की सेवा करते चलो सब आता चला जाएगा, वो सब होता चला गया। फिर 1 साल, नेक्स्ट साल कि वो मेरा टीचर है, वो संबंध मुझे उससे स्थापित करना है। तो टीचर है तो टीचर से भगवान, टीचर का संबंध भगवान से कैसे करना है? अच्छा बाबा आप टीचर हो तो टीचर क्या करता है? टीचर सब बात सुनाता है, समझाता है, ज्ञान देता है। तो अगर जिसका टीचर भगवान है तो उसको तो कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इस टीचर के साथ टीचर का संबंध निभाना है तो मुझे इस साल कि कोई भी प्रश्न किसी आत्मा से नहीं करना है। वैसे भी नहीं किया था, लेकिन अभी तो खासकर टीचर का संबंध, तो वो टीचर के संबंध में क्या वंडरफुल समझ ही बदल गई हर प्रकार से। उस समय सेवा शुरू की थी, राजौरी गार्डन से शक्ति नगर आना हुआ, जगदीश भाई साहब कैसे लेके आए वहां से, वो भी कहानी है, क्योंकि अभी तो स्टूडेंट की बात चल रही है। मुझे लगता है कि वो दूसरे लेवल पर आने के लिए एक दूसरा सेशन चाहिए होगा। तो वहां पर जब टीचर के संबंध में, मैं सारा दिन क्या करती थी, अपने इधर नीचे वो अविक्त मुरली लेके घूमती थी कि जो भी मुझे बात करनी है तो मुझे आपसे ऐसे बात करनी है बाबा के कमरे में डायरेक्ट ऐसे, और आपका जो मुझे जवाब चाहिए वो मैं मुरली से निकाल लेती थी। क्यों? क्योंकि बाबा तो मेरा संकल्प सुन सकता है और मेरे अंदर अभी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसको जान सकूं, मैं तो नई बच्ची हूँ आपकी, नई स्टूडेंट हूँ। तो उससे तो वंडरफुल केसेस हुए,
कि एक एक चीज को बाबा ने अच्छी तरह से सिखाया पढ़ाया। एक व्यक्ति आर्य समाज के कोई हेड थे अपने एरिया के, वो कोर्स करने के लिए आए। मुझे ये पता नहीं था कि वो आर्य समाज के हेड है। उन्होंने एक दिन दो दिन कोर्स किया। तीसरे दिन मैंने उनको कहा कल हम परमात्मा का परिचय समझेंगे सुनेंगे। तो वो बोल के गया कि अगर आप मुझे कल ये कहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो हमारी डिबेट होगी आपसे। तो वो सुनते ही मैंने कहा अरे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, इसके बारे में डिबेट का क्या मतलब है, वो तो है ही नहीं, तो ये क्या मुझे क्या करना है अभी। मैं तो सीधी बाबा के कमरे में उसके जाने के बाद, बाबा ये तो आपके बच्चे को पता ही नहीं कि आप परम धाम में रहते हो और वो तो आपको सर्वव्यापी बोल रहा है बाबा, तो अब वो तो कल आके डिबेट करेगा, मुझे तो डिबेट करनी आती नहीं है इस विषय में। तो बैठ के ये कह के बाबा को बात। तो जैसे ही फिर 5 मिनट योग के बाद फिर जब मैंने खोली अभी थोड़ ली, ऐसे ही करती थी मैं, खोल के उत्तर देखती थी। तो जिस वो पेज पे जो उत्तर आया, पहला लाइन, बच्ची मानो कोई आपसे डिबेट करता है कि भगवान सर्वव्यापी है। जैसे ही वो लाइन मैंने सुनी एकदम से जैसे कि डेड हो जाता है कोई, माय गॉड इतना प्यार करते हो आप मुझे, इतना डायरेक्ट मुझे आप सब दे रहे हो, ऐसी करंट फीलिंग आ गई कि वो मेरा एक एक चीज को जानता है और सुन रहा है और पढ़ा रहा है मुझे। आगे का तो मेरे पढ़ने की हिम्मत ही नहीं रही, वो एक लाइन में ही मैं एकदम से 1 घंटा बैठ गई ऐसे। तो ये मुझे अच्छी तरह से समझ में आया कि राजयोग मतलब कि दोनों तरफ से प्यार, एक तरफ से नहीं चल सकता ज्यादा समय। उसमें मैं कुछ कहूं वो वहां तक पहुंचे और वो कुछ कहे तो मेरे तक पहुंचे, इसका सबूत होना चाहिए मेरे पास, इसकी कंफर्मेशन होनी चाहिए। कंफर्मेशन नहीं मिलती और मैं ऐसे ही चलती रहूं तो जरूर मेरी जो प्यार है उसके अंदर में अग्नि की कमी है, मुझे उससे बदलना है, तो ये मालूम पड़ता है। इसलिए जो भी राजयोगी है मैं समझती हूँ उसके लिए ये रिस्पॉन्स, डायरेक्ट भगवान का रिस्पॉन्स मुझे मिले, ये बहुत जरूरी है। तो समय बीतता गया, ये आदत पड़ गई कि जो भी बाबा ने आज कहा है मुरली में उसे आज करना है, आज कहा है ना तो आज करना है। तो ये तो जब 6 मास घर में भी रही सेंटर पे आने से पहले तो भी अच्छी तरह से फिक्स हो गया था बुद्धि में। तो ये करते करते यात्रा यहाँ तक पहुंच गई कि जीवन जो है वो पढ़ाई में, पढ़ाई के मार्ग में अच्छी तरह से सेट हो गया। बाबा की एक एक बात ऐसी लगती थी जैसे उसको बस खा जाओ, कितनी गहरी है बात। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ का अभी मैंने आपको बताया, इसमें आपको कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, फिर कोई नेक्स्ट वाला शुरू करेंगे। जी, अभी तो प्रश्न नहीं है, भले आप आगे सुनाइए। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो पढ़ाई के साथ साथ सेवा का जो पार्ट है इस सेंटर पर, जब हम आते हैं रूहानी स्पिरिचुअल सर्वर कहलाते हैं, तो अब फिर मैं इसको कनेक्ट करती हूँ कि सेवा का कैसे शुरू हुआ। कि जो सिर दर्द होता था बाबा का बनने से पहले कि देश को बचाना है, देश में अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी को तंग ना करे, अगर कोई किसी को के साथ बुरा व्यवहार करता था, कोई बड़ा है और छोटे के साथ अन्याय कर रहा है, तो उस समय मैं बहुत रोती थी। इसलिए वो मुझे पहुंचता था उसका दुख, क्योंकि मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो इससे अंदर ही अंदर परेशानी होती थी। तो जब पहली बार मैंने बोला जाना हुआ, तो उस समय आने से पहले मैंने अपनी जो बुकशॉप होती है मधुबन में, बुकशॉप में जा करके वो सारी अव्यक्त मुरलियां खरीद ली। ये था कि अब मैं इसमें से पढ़ना है ना, मुझे बाबा ने बोला है डबल स्टडी करो। तो दादी से जो विदाई लेने के लिए गए
तो गुलजार दादी ने एक स्लोगन दिया, जैसे ब्लेसिंग देते हैं ना, वो ब्लेसिंग मुझे मिली तो उस ब्लेसिंग के अंदर में लिखा हुआ था, बाबा का ही महावाक्य था, कि जब बच्ची बाप की टोपी अपने सिर पर डाल देते हैं तो सिर दर्द होता है। तो बच्चे बाप की टोपी को सिर पर डाल देते हैं तो सिर दर्द होता है। तो बच्चों के सिर पर बच्चों की टोपी ही आती है। उस समय ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन जब मुरलियां पढ़नी शुरू की तो समझ में आया कि देश की जिम्मेवारी, विश्व की जिम्मेवारी, लोग के साथ अन्याय ना हो, ये मेरी नहीं है, ये भगवान की टोपी है, ये उसकी जिम्मेवारी है। मुझे ना रोने की जरूरत है, ना ये झांसी की रानी बनने की जरूरत है, नहीं तो मुझे लगता था कुछ करो, वो तो पूरी झांसी की रानी वाला ही सारा इधर चलता रहता था। तो एकदम से वो जो था वो मुझे, तब मुझे लगा, अरे बाबा सॉरी बाबा, मैंने तो आपकी टोपी यहाँ रख दी थी, इतना छोटा सिर इतनी बड़ी टोपी। तो वो उतारी टोपी, वो अब स्व परिवर्तन से मेरी टोपी जो है, स्व परिवर्तन, मेरे परिवर्तन से जो कुछ होगा वो होगा, बाकी वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। बस वो मंत्र लेकर के कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया कुछ करने के लिए कि तुम बदल जाओ या ये सीख लो, नेवर। ना ही खुद के लिए पसंद है कोई फोर्स करे किसी चीज के लिए, ना ही दूसरे को किसी को किया, क्योंकि समझ में आ गया हर एक को अपना परिवर्तन स्वयं करना है। और सेवा की फील्ड में कुछ समय जो है, एक साल जैसे बोला, एक साल राजौरी गार्डन में रहना हुआ, और राजौरी गार्डन के बाद बीच में उत्तम नगर के लिए दादी रुक्मणी ने कुछ समय के लिए भेजा। ऑलराउंडर दादी, गुलजार दादी, रुक्मणी दादी, इन लोगों का, मनमोहिनी दीदी हमारे जो सेवा के भाग्य बनाने में भी, पढ़ाई के लिए भी काफी उनका ही शुरू में योगदान था। सुदेश दीदी उस समय राजौरी गार्डन में थे, और रजनी बहन जी ऑलरेडी सरेंडर हो चुके थे, वो जापान भी चले गए थे उस समय तक। सुदेश दीदी गीता पाठशाला में भी कई बार क्लास कराने आते थे, उन्होंने फादर को कोर्स कराया। तो उस समय तो ज्यादा ध्यान नहीं जाता था, ब्रह्मा कुमारी टीचर्स को देखते नहीं थे, लेकिन इन सबको देखते हुए बड़े हुए। फिर उत्तम नगर के बाद फिर वापस राजौरी गार्डन में आना हुआ, और वहां से जब विंग्स के लिए बाबा ने कहा हुआ था कि बाबा को चाहिए सब प्रकार का गुलदस्ता, समाज के हर एक वर्ग का कोई आत्मा जो हो, ब्राह्मण परिवार में हो, ऐसा गुलदस्ता बनाना है। तो ऐसे एक दो मुरलियां जब चली थी 80 और 83 के बीच में, 82 के बीच में, तो जगदीश भाई साहब ने बहुत इंटेंस प्लानिंग शुरू कर दी सारा, कि कैसे कहा, कैसे वर्ग को लाया जाए। तो उन वर्गों की सेवा का सोच के ही ये सब विंग्स की फाउंडेशन बनी, 83-84 से बनने शुरू हुई। लिस्ट बनाई गई पूरे भारत के जितने भी ब्राह्मण हैं, ये देखा गया कि कितने डॉक्टर्स हैं हमारे पास, कौन महिला विंग में जाएगा, कौन किस में जाना चाहता है, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने एडवोकेट्स हैं। तो ये सारा जो इतना सब काम हो रहा था शक्तिनगर में, उससे पहले ही भाई साहब ने मुझे पसंद किया। पसंद किया किस लिए भाषा आती है ये, कि राजौरी गार्डन में मुझे, जब मैं थी तो मुझे बाबा के घर की सफाई का बहुत शौक था, कि एक एक चीज भगवान के घर की चमकनी चाहिए। तो मैं उसको करती रहती थी काम सारा दिन। तो करते करते टेलीफोन के नज़दीक ज्यादा समय मैं ही रहती थी दूसरी बहनों के बजाय, तो कॉल आई दिल्ली से, शक्तिनगर से भाई साहब की। तो मैंने उठाया, मुझे तो पता नहीं भाई साहब कौन है, तो उठाया मैंने, यूनिवर्सल राजयोगा सेंटर। तो उन्होंने कभी ऐसा सुना ही नहीं था, जब आप कभी, जैसे बोलते हैं ना, हाँ जी बोलिए, और कितना, एक मिनट लगाएंगे, कुछ धीरे धीरे करेंगे, तो इतना उन्होंने सुना। तो दादी से पूछा ये कौन है, तो दादी ने कहा, उन्होंने उस समय तो रख दिया फोन, एकदम से रख दिया। फिर बाद में दादी से बात की, पूछा, फिर देखने के लिए आई। उस समय शिव जयंती की यात्रा चल रही थी, तो दादी ऐसे उंगली करके दिखा रही थी ये, तो मुझे लगा कि क्या मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे थोड़ी किसी को कहा जाता है कि ये देखो ये वो वाली बहन है,
ऐसे अंदर में सोचा तो, लेकिन इस प्यारी प्यार में शक्तिनगर पहुंचे और फिर ड्रामा अनुसार वहां से ही भाई साहब को ही बाबा ने अरशिया की सेवा सौंपी, बहुत प्यार से सौंपी। और वो जो समय था वो भी बहुत अच्छा था जब बाबा ने भाई साहब को रशिया के लिए बताया, क्योंकि उन्होंने रशिया का न्यूज सुनाया था, एक कॉन्फ्रेंस में से होके आए थे। तो बाबा ने कहा, बाबा ने रशिया को आपके लिए ही रखा हुआ था। बहुत मजा आया सुन के कि कमाल है कि किस प्रकार की सेवा के प्लान ईश्वरीय स्क्रिप्ट में नूदे हुए हैं, और कौन आत्मा कहाँ से आकर के वो कहाँ से जोड़ रहा है। वो 8 साल से किसी को रशियन सिखा रहा है, फिर किसी के लिए बचा के रखा हुआ है, किसी के लिए क्या किया हुआ है। तो मजा आता था ये सब देख करके। तो भाई सब को नहीं पता था कि मैं रशियन जानती हूँ। तो एक दिन वो कमरे में आए, हम बहने जब अपने अपने कमरों में जो भी काम होता था करते थे, तो कुछ पूछते पूछते कमरे में आई, तो उन्होंने टेबल पर एक एक किताब मैं लेके आई थी सेंटर पर, बाकी सब छोड़ के आई थी, क्योंकि सोचा विनाश हो जाएगा ना, अभी मुरलियां जब पढ़ ली ना तो मुरलियों में तो क्या होता है, जल्दी से विनाश हो जाएगा, तो बस अब विनाश हो जाएगा, अब तो रशियन क्या करेंगे। तो एक ही किताब लेके आई थी, वो भी यादगार के रूप में। तो उसको भाई साहब ने जब देखा तो कहा, ये किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। तो आपकी कैसे है? मैं क्योंकि पढ़ती थी ना। अच्छा, आपको रशियन आती है? मैंने कहा हाँ आती है, मेरे पास तो पोस्ट डिप्लोमा है। अच्छा, बस ऐसे कह के चले गए। फिर उन्होंने गुलजार दादी को बताया, तो बहुत खुश हुए, दादी भी बहुत खुश हुए। अच्छा, हमारे पास बहन है जिसको रशियन आती है, क्योंकि उस समय ये शुरू हो गए थे संकल्प कि वहां का करना है। तो पहले चक्रधारी दीदी गए, उनका पासपोर्ट ऑलरेडी था, उसके बाद सुधा दीदी जो मॉस्को में है उनका भी पासपोर्ट बना हुआ था 3 मास के लिए। पहले 3 मास हो गए, फिर 3 मास हो गए, तो सितंबर से शुरू हुआ, 89 सितंबर से। तो जनवरी में जब सुधा बहन जी गई, तो उस समय ही मैं मुजफ्फरनगर में भी, मुझे दादी ने भेजा था, गुजार दादी ने और जगदीश भाई साहब ने, तो वहां से बुला लिया, और वहां से पासपोर्ट भाई साहब ने बनवाना शुरू किया। बस इतना ही बोला कि आप आ जाओ वहां से, तो मुजफ्फरनगर से छुट्टी भी नहीं लेके आए, ये बोला कि जाएंगे। तो वो तो 30 साल से इंतजार ही कर रहे थे कि अभी आ जाएंगे, क्योंकि उनको क्या क्या आए थे कि 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं। फिर जब रशिया गए तो कहा 3 मास के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उस समय 3 मास का वीजा मिलता था। तो बस फिर जब मैं आई, तो क्योंकि मैं भाषा जानती थी, तो बाकी सब लोग 3-3 मास रह के गए, तो मैं भाषा के कारण थोड़ा जल्दी जल्दी संबंध संपर्क बने, तो वीजा एक्सटेंड कराया, तो पूरा 1 साल रही थी। तो उस पूरे 1 साल के अंदर में पहले मॉस्को में तो शुरू हो ही चुकी थी 89 सितंबर में लेक्चर्स, फिर जनवरी के बाद कोर्स भी हुए, और उन्हीं कोर्सेज में उस समय सोवियत यूनियन जो था वो टूट रहा था, पेरिस्ट्रोइका जिसको बोलते हैं वो शुरू हो चुकी थी। लेकिन ये बहुत वंडरफुल टाइम था, क्यों? क्योंकि अगर ये टाइम से थोड़ा पहले जाते तो जेल में जाते, इस टाइम के थोड़ा बाद जाते तो जा नहीं पाते थे। इससे पहले सोवियत यूनियन में धर्म को अफीम माना जाता था, धर्म का नाम नहीं ले सकते थे। 89 में ही ये नई लहर शुरू हुई थी, और शुरू होने के बाद ये एंड ऑफ द 89 बहुत ही सुटेबल टाइम था, जब आत्माओं को ये महसूस हो रहा था कि ये जो साम्यवाद है, जो साम्यवाद के अंदर में भावना थी कि हर एक को सब कुछ मिले, कितनी बढ़िया भावना है, कोई इनजस्टिस ना हो, कितनी अच्छी भावना है, और सब खुश रहें, कमाल का आइडिया है। लेकिन उसका जो तरीका है वो ऐसा था कि जिसके अंदर में ह्यूमन नेचर, मनुष्य का जो प्रकृति अंदर से है, उसका स्वभाव है, उसको अलग करके ये साम्यवाद जो बनाया गया था, उसके कारण वो फेल हुआ 70 साल के बाद। क्योंकि कुछ भी दे दो आप इंसान को,
कुछ भी दे दो, लेकिन उसकी जो बेसिक नीड जो है वो है प्रेम, प्रेम और स्वतंत्रता। अगर स्वतंत्रता नहीं है, आप दबाओगे, वो कुछ करोगे, तो वो तो काफी डिटेल है, चलो जो भी हुआ वो सब उस समय टूट चुका था, साम्यवाद का सारा स्ट्रक्चर, और तो अंदर नया रास्ता बना नहीं था। एक साल, डेढ़ साल, दो साल लोग सोच रहे थे, तो जब तक वो सोच रहे हैं, ज्योति बिंदु परमात्मा अपने बच्चों के लिए वर्षा देने के लिए उस धरती पर पहुंच गए, और ये जो शुरू हुआ, और वर्षे की बात या नहीं कर नहीं होती थी, क्योंकि साम्यवाद में कोई प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, कोई धन नहीं इकट्ठा कर सकता, और इकट्ठा नहीं कर सकता तो बच्चों को कैसे देगा, आगे कैसे देगा। तो अब हम राजयोग की शिक्षा में तो परमात्मा के को याद करना, उसका परिचय पाना, उससे वर्षा लेना, ये तब है जबकि वो संबंध हो हमारा, मैं उसका बच्चा हूँ और मुझे वर्षा लेना है। अब वो वर्षा क्या होते है वो पता ही नहीं, अब बात कैसे आगे बढ़ाओगी, वर्षा क्या होता है और किस लिए चाहिए, क्योंकि सारी जिंदगी बिना वर्षे के बिता दी लोगों ने, एक साइकिल भी नहीं मिलती थी तो वो भी ऐसे जी लेंगे बाकी भी। तो इस प्रकार के माहौल में भगवान जी अपने बच्चों के पास गए, तुझे जाने से पहले ऐसे कान में डालते थे कि वहां ना भगवान का नाम मत लेना। तो मैं सुनती थी कभी, जवाब नहीं देती थी, और सोचा कि भगवान का नाम नहीं लेना तो मैं जा किस लिए रही हूं वहां पर, मैं तो भगवान की ही हूं और भगवान के साथ हूं, भगवान का नाम नहीं तो और किसका नाम लेंगे। तो चलो चले गए, पहुंच गए, तो वहां पर शुरू हुआ, और ट्रांसलेटर की जरूरत तो थी ही, क्योंकि काफी साल हो गए थे रशियन को सीखे हुए, बोलने का अभ्यास ना होने के कारण खुल के तो नहीं कह सकते थे लेक्चर, बातचीत तो मैं कर लेती थी और समझती थी हर एक बात, ट्रांसलेटर क्या कर रही है, ये भी प्लस पॉइंट था, क्योंकि साम्यवाद के अंदर में आध्यात्मिकता तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो कैसे हमारे शब्दों को कैसे समझेंगे। तो जब भगवान बोलती थी तो वो बोग बोग बोलते थे, तो मैंने कहा ये बोग क्या होता है, तो कहती है भगवान। तो मैंने कहा जब ये भगवान बोल रही है, मैं सुप्रीम सोल बोलती थी, वो भगवान बोलती थी, सुप्रीम सोल को भगवान ट्रांसलेट करती थी। तो मैंने कहा जब ये भगवान बोल रही है तो मैं सुप्रीम सोल क्यों बोलूं, मैं भी भगवान बोलूं ना, काम पूरा हो गया। बस समझ में आ गया कि ये वो दुनिया नहीं है, ये बिल्कुल दूसरी दुनिया है, क्योंकि यहाँ की आत्माएं 70 साल से भगवान को इतना अंदर से पकड़ के बैठी थी कि बाहर लोहे के पिंजरे भी लगाए, लोहे की सलाखें भी लगाई कि अंदर से कोई बाहर नहीं जाए, सोवियत यूनियन से, सोवियत यूनियन के बाहर से कोई अंदर नहीं आए, इतना सख्त वहां की रिजीम थी। लेकिन इन्होंने अंदर से भगवान को ऐसे पकड़ के रखा हुआ था कि वो जैसे ही वो आया तो इनका जैसे इनको इनके दिल खुल गए, और सैकड़ों की संख्या में लोग कोर्स करने के लिए आने लग गए। ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते थे क्योंकि एक घंटे में क्या सुनाएंगे, एक घंटा होता था, बड़े बड़े हॉल्स लेने पड़ते थे और ट्रांसलेशन होती थी। लेकिन एक घंटे के बाद जब याद में बैठते थे तो किसी को क्या साक्षात्कार हो रहा है, किसी को लाइट दिख रही है, किसी को देवी दिख रही है, किसी को सब, आधे से ज्यादा क्लास को रो रहे हैं, साक्षात्कार ही साक्षात्कार हो रहे थे। तो 2-3 साल का जो ये पाठ चला उसमें बाबा ने दिल भर के उन आत्माओं को, जो 70 साल की उनकी पुकार थी, उसका रिटर्न दिया। वो दिखाई पड़ रहा था बाबा क्या दे रहे हैं बच्चों को, और देते देते वो लेते रहे, देते रहे। यहाँ पर 2 साल के बाद फिर सिस्टम भी चेंज हुआ, साम्यवाद खत्म हो चुका था और दूसरा जैसे अभी है रिपब्लिक के रूप में वो चलता है। लेकिन बाबा की सेवाएं इतनी अच्छी तरह से जो बाबा ने की उस समय, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आते थे, तो शुरू से ही पहले साल से 1990 से लेकर के 2018-19 तक हर साल दादी आते रहे, हर साल, कोई वर्ल्ड के अंदर में, कोई कॉन्टिनेंट में,
ऐसा देश नहीं है जहां पर हर साल दादियां जाकर के 10-10, 12-12 दिन रहें और वहां के लोगों को पालना दें। तो ऐसा नहीं महसूस होता कि हमने यहाँ पर कुछ किया है। उपस्थित हैं, लेकिन ये जो अष्टरत्न हैं, हमारे यज्ञ की महान आत्माएं हैं जिन्होंने आकर के बाबा को पकड़ करके यहाँ पर बिठा करके गए हैं और बच्चों के दिल में बिठा करके गए हैं कि उनको नैनों में उन्होंने भर लिया। वो जैसे कि अपने जीवन को हथेली पर लेकर के बैठ गए, बाबा आप बस जो कहो हम करेंगे। तो जैसे कि बाबा को भी इन बच्चों का इंतजार था, ये जो रीजन है रशिया CIS बाल्टिक कंट्रीज रीजन है, इसकी 16 कंट्रीज में अभी सेंटर खुल चुके हैं, 60 सेंटर है। कुछ सेंटर सुधा दीदी संभालती हैं, कुछ मैं संभालती हूँ। तो ऐसी ऐसी आत्माएं हैं, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। पीटर्सबर्ग में जो क्लास शुरू हुई 90 में, उसमें 70% इंजीनियर्स थे, टॉप क्लास के इंजीनियर्स थे, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स। तो वो जो भगवान, फिर बाबा ने संदेशों में गुजार दादे के थ्रू बताया भी कि रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा स्वर्ग में, स्वर्ग का हिस्सा है और ये बाबा के बच्चे स्वर्ग बनाने वाले हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और आपको शायद मालूम भी होगा, जो आज आप स्वर्ग का चित्र देखते हैं पूरे यज्ञ में, सब 8,000 से भी ज्यादा जो हमारे सेवा केंद्र हैं उनके ऊपर लगा हुआ है वो स्वर्ग का चित्र, पहला अपना ब्राह्मणों का बनाया हुआ, बाहर का बनाया हुआ ओम शांति भवन में आपने देखा होगा, लेकिन अपना बनाया हुआ, विधिवत बनाया हुआ, वो सेंट पीटर्सबर्ग में बना। 3 साल लगे उसको बनाने में, उस एरिया को, फिर उसको कंबाइन करके एक कॉमन चित्र बनाया गया। तो उसके संबंध में भी दादी ने, जब आते थे गुजार दादी, तो काफी चीजें बताते थे। यहाँ पर काफी ठंडी है और मैं विंडो खोल करके बैठ गई, तो अभी भी ठंडी है, +2-3 है। आपके पास तो शायद 40 हो गया होगा गुजरात में ऐसा। तो आप भले विंडो बंद कर दीजिए ना दीदी, कोई बात नहीं। हाँ, मैंने इशारा किया, उन्होंने मुझे देख के कर दिया, बंद कर दीजिए। हाँ, यहाँ 44 डिग्री पे है हम लोग, या देखिए, और यहाँ पर 4 हो रहा है जी। तो फिर जब वहां के लिए हम चले गए, बात बुद्धि से ही चले गए, कहाँ पर थे हम, क्या था, कई बात पर था। बाबा ने जब ये स्वर्ग की बात चल रही थी कि स्वर्ग का जो चित्र बना, तो दादी एक एक छोटी छोटी बात को बताते थे स्वर्ग का कैसे होगा। और ये लोगों को तो छोड़ा, थोड़ा सा बनाना शुरू करें प्रश्न हो जाता था। अब वो ड्रॉ किया, विमान ड्रॉ किया, बाबा ने बोला हुआ है कि लक्ष्मी का अपना होगा, नारायण का अपना होगा, लेकिन फैमिली वाला भी होगा। तो अब मान लीजिए कहीं पर इकट्ठे जाना है, तो लक्ष्मी बैठे हैं और नारायण पहले उतरे हैं, तो वो सारा वो ऐसे सोचते थे कि दोनों तो जंप मार के इकट्ठे नहीं उठेंगे, पहले नारायण उठेंगे फिर उसके बाद में लक्ष्मी आएंगी। तो अब फिर एकदम प्रश्न आ गया, क्योंकि यहाँ पर जब गाड़ी में बहन होती है तो गाड़ी से पहले भाई उतरता है, फिर उधर आके बहन को हाथ देता है, दरवाजा खोलता है। अगर वो आकर के दरवाजा नहीं खोलता और हाथ नहीं देता तो उसको इल मैनर माना जाता है कि ये क्या हो गया, बहन को उठाया ही नहीं। तो अब पूछते थे, बाबा तो कहते हैं ना टच नहीं करो, तो अब वो पूछते थे दादी वो टच करेगी क्या लक्ष्मी, वो ऐसे करके, मतलब वो विष्णु हाथ देगा कि ऐसी बिचारी को अपने आप आना पड़ेगा। तो दादी बहुत प्यार से, हाँ हाथ तो देगा ना, तो दादी बड़े प्यार से बोलते थे हाथ तो देगा ना नारायण। तो ये जो समय था, एक एक चीज को कितने सुंदर तरीके से, हमारा जो ये भविष्य का संपूर्ण ज्ञान है वो सारा, जैसे कि सेंटर पर लाइट हाउस जिसका नाम है, सारा समय स्वर्ग की चर्चा, स्वर्ग की बातें, स्वर्ग बन रहा है, 3 साल बना,
तो जो 3 फ्लोर्स हैं, 4 फ्लोर्स, तो उसमें फर्स्ट फ्लोर पे रिसेप्शन एरिया में जब रिसेप्शन पे कॉल आती थी, ब्राह्मणों के घर वाले परेशान होते थे कि तू तो सारा दिन कहाँ रहते हैं, तो घर में जाने का नाम ही नहीं लेते, तो प्यार से सेवा करते थे, घर का काम करके आ जाते थे। तो फोन आता था कि वो गली ना कहाँ है, मारीना कहाँ है, तो जवाब देते थे रिसेप्शन वाले, अभी अभी तो स्वर्ग में थी, मैं जाके देखती हूँ कहाँ है। और फिर वो कहते थे अभी संडे को संडे कभी 4-5 लोग मीटिंग करते हैं, तो मैं पूछूं कहाँ है ये लोग, कहाँ है उनकी, स्वर्ग में मीटिंग चल रही है। तो जैसे कि वो रोज की भाषा ही होगी आप। तो ये है ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन में कोई समस्याओं का नाम नहीं। ब्राह्मण जीवन के अंदर में मुझे किसी को दुख नहीं देना है, मुझे स्वर्ग, वो स्वर्ग का अनुभव करें। हम जानते हैं कि कितने संस्कार हैं, कड़े संस्कार हैं, 63 जन्मों के कड़े संस्कार हैं, और अपने अपने देश की सोच है, संस्कृति है, लेकिन वो सब होते हुए भी बस मुझे, मेरे साथ कोई कुछ कर ले, मुझे दे दे दुख, भले दे दे अगर उसके संस्कार ऐसे, लेकिन मुझे नहीं देना है, मुझे सबको स्वर्ग का अनुभव कराना है कि उनके जीवन में बाबा बैठ जाए। तो ये हमेशा रहा। तो शुरू में जब शुद्ध भोजन की बात हुई, क्योंकि 200% मीट वाली दुनिया, और यहाँ पर भोजन सर्दी रहती है 6 मास, तो 6 मास बर्फ रहती है, तो बर्फ होगी तो उगाएंगे कहाँ से, और उगाएंगे नहीं तो बाहर से आएगी, तो बाहर से आएगी तो महंगी होगी, बहुत ज्यादा महंगी होगी, तो लोगों का ये जीवन शैली तो नहीं बन सकती शाकाहारी भोजन। तो ये सोच के वो लोग बैठे हुए थे, मांस ही मांस खाना। तो लेकिन बाबा आ गए, बाबा ने अपने बच्चों को ये सब बातें सिखाई, और फिर हम एक कोर्स का, जैसे दूसरा नया रूप होता है ना, राजयोग कोर्स में 7 दिन का कोर्स सिखा दिया, लेकिन इसमें 7 में ट्रांसलेशन भी होगी, तो 15 दिन तो वैसे भी हो गए, लेकिन उसके बाद शुद्ध भोजन सीखना है। तो शुद्ध भोजन के लिए वो क्या खाएं, अगर शाकाहारी खाना है तो वो प्रश्न करते खाएं तो क्या खाएं हम, तो खाने के लिए वो शाकाहारी माना, गाजर उठाई वो शाकाहारी भोजन हो गया, गाजर खाओ। तो एक बार एक भाई का फोन आया, उसने बहुत गलत बातें बोली फोन पर, तो मैंने, रशियन जानती थी, शुरू की ही बात थी, तो मैंने कहा क्यों आप गुस्सा हो रहे हो मेरे पर, तो कहता है अच्छा आप समझते हो आप, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा पहले तो बताना चाहिए ना किस बात के लिए गुस्सा कर रहे हैं आप। कहते हैं आप हमारी बेटी को सिखा रहे हो वेजिटेरियन बनो, और आपको पता है वो 3 दिन से भूखी है, वो एक छोटी सी गाजर खा लेती है रोज, आपने उसको ये तो बताया नहीं कैसे क्या होता है वेजिटेरियन खाना, कैसे बनाना होता है, उसको तो आता नहीं, हमको भी नहीं आता, तो आप समझते हो अपने को टीचर हो क्या, आपको पता है एजुकेशन सिस्टम कैसा होता है, टीचर बनने के लिए पहले हर बात का सिलेबस ठीक ढंग से, किसी को ये सिखाना है शाकाहारी बनाओ, उनको पहले बताओ। तो ये तो बड़ी बहुत बढ़िया बात लगी, मैंने कहा अच्छा ये तो बाबा ऐसे काम कराएगा, अभी हम तो अगर सोचते हैं ना वो सीधा सीधा ज्ञान सुनाया, नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत की, पूरा प्लान बनाया, सिलेबस बनाया, 30 दिन 30 प्रकार की डिशेस जो थी वो कोर्स में डाली, 30 प्रकार की डिशेस में जो कि हफ्ता तक वो लोग नई नई चीजें खाई, और जो वहाँ के प्रोडक्ट्स मिलते थे, पत्ता गोभी मिलती है, आलू, और क्या होता है वो घिया बोलते हैं ना उसको, लौकी बोलते हैं ना, घिया मिलता है, गोभी मिलती है, बैंगन मिलता है, और कभी कभी थोड़ी बहुत फलियां भी मिलती, जो भी ये 6-7 चीजें मिलती हैं, और उस समय थोड़ी कम मिलती थी, अभी ग्लोबल मार्केट है तो सब कुछ आ गया है। तो उसके आधार से उनको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाने सिखाई। तो पहला पहला जब सेशन था तो मैंने क्लास में अनाउंस किया, 400 450 की क्लास में अनाउंस किया, कल मैं सब यहाँ पर टेबल लगाऊंगी, तो कल हम 6 डिशेस सीखेंगे जो आप उसको कर सकते हैं। तो मैंने सोचा पहले 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 दिन
आलू रस और पूड़ी बनाने के लिए। मैंने कहा ये तो सबसे अच्छी चीज है, एक बार ये सीख जाएंगे ना तो उनको प्यार हो जाएगा वेजिटेरियन से, नहीं तो समझते बोरिंग बोरिंग होता है ना, गाजर और ककड़ी खा लो। तो मैंने पहले बेला उसको ऐसे करके, एम्फी थिएटर था, ऊपर की तरफ लोग बैठे थे और यहाँ नीचे स्टेज थी, और मुझे बताए बिना किसी ने, मुझे बताए कैसे, वो तो नए लोग थे, तो उन्होंने टेलीविजन को बुला लिया, टेलीविजन चैनल वाले इतने बड़े बड़े कैमरे लेके, पहली बार वेजिटेरियन की बात हो रही है और सिखाया जा रहा है, तो सारे टेलीविजन वाले एंटर हो गए। अब तो मैं रोक भी नहीं सकती, तो मैंने सोचा चलो बाद में बात करेंगे, अभी तो बनाओ। तो अब वो टेलीविजन कैमरा मेरे उस पे, तो मैंने कहा थैंक यू माँ, माँ ने जो है कम से कम खाना बनाना सिखा दिया, गोल रोटी बनानी सिखा दी, नहीं तो कैमरे में बेइज्जती हो जाती थी आज के दिन। तो माँ को भी थैंक्स किया कि उसको खाना बनाने का शौक था तो बनवाती थी हमसे भी। और दिल्ली में जब आए तो राजौरी गार्डन में भी बहुत अच्छा दादी रुक्मणी का जो ट्रेनिंग था खाने के लिए, और शक्तिनगर में भाई साहब को भी बहुत अच्छा लगता था कि ढंग से खाना बनाया जाए बाबा को। तो वो सब बनाया, जब शुरू कर दिया और तेल में डाला, तो जैसे ही तेल में पूरी गई तो वो तो पूरी बन गई ना, तो पूरी फूल गई, तो सारा हॉल खड़ा होके ताली बजा रहा है, जिंदा है जिंदा है, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक डेड बॉडी खाई थी ना, तो सारे चिल्लाने लगे जिंदा है जिंदा है, जिवोई करके, और वो पूरे रशिया के टेलीविजन चैनल पे दिखाया गया, वो पूरी फूल रही है, डांस कर रही है। बस जी फिर तो बात ही मत पूछो, फिर तो शुरू हो गया मामला। वो सारे पेपर पेंसिल लेके बैठे होते थे, एक एक सारे सिर झुका करके अच्छी तरह से लिखते थे। तो वो दिन जो थे बहुत वंडरफुल थे, बाबा ने जी भर के अपने बच्चों को दिया, जी भर के, क्योंकि भाई साहब भी 10 साल तक, दो 1989 से लेकर के 2000 तक भाई साहब रशिया में आते रहे हर साल। उन्होंने ही सब बहनों को जो रशिया में शुरू शुरू में कुमारियां निकली उनको ट्रेनिंग दी। उस समय अपने स्थान नहीं थे, लेकिन जहाँ भी हम हॉल लेते थे ट्रेनिंग, माना 2-3 घंटे के सेशन, ऐसे बैठना, भाषण देना। तो वो कहते थे, क्योंकि उनका जो मुख खुलता था एक बार तो वो रुकता नहीं था, भगवान की बातों का जो इतना खजाना उनके पास था, तो कहते थे कि मैं ढूंढ रहा था ऐसे सुनने वाले, वो मुझे यहाँ मिल गए हैं। क्योंकि यहाँ भाई सब शुरू हुए और यहाँ सारी की सारी सभा पेपर पेन लेकर के वो ऐसे करके बैठती थी, तो एक घंटे के बाद ही उनका सिर ऊपर होता था, उधर से वो बोल रहे हैं उधर से वो लिख रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ने और लिखने के शौकीन रशिया के अंदर। शुरू में जब हम आई तो हम कई बार हैरान होते थे, एस्केलेटर मेट्रो में जब जाते थे तो एस्केलेटर में उतरने में 1 मिनट लगेगा, तो उस एस्केलेटर के टाइम को भी नहीं वेस्ट करते, वो किताब लेके पढ़ रहे होते हैं। अब उतर से सारी लाइन उतर रही है, सब किताबें पढ़ रहे हैं, ऊपर जा रही है लाइन, सब किताबें पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इतने पढ़ने के शौक वाले, क्यों? क्योंकि समझ में आती है बात, साम्यवाद ने जब आध्यात्मिकता के नजदीक नहीं जाने दिया, तो ये आत्मा कला में, साइंस में और साहित्य में, इन तीनों चीजों में इन्होंने बहुत बहुत कमाल किए। साहित्य भी एक से बढ़कर एक है, कला भी, बैले और ड्रामास ऐसी बहुत अच्छी चीजें हैं। साइंस में तो यहाँ की स्ट्रक्चर, आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन देखो, मेट्रोस देखो, तो वो जैसे कि बैलेंस हो गया, बाहर से बंद किया धर्म को तो धर्म ने अंदर जड़ें पकड़ी, और जब भगवान आया तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपना जीवन सफल किया उसकी सेवा के लिए, अच्छी से अच्छी चीजें, सेवा के साधन यहाँ बनाए उन्होंने। तो ये जो था पढ़ाई के अंदर शौक उनका, उसके कारण जल्दी जल्दी सेंटर भी खुल गए और वहां पर वहां की बहनें भी रहना शुरू हो गई। तो मुझे उस समय ऐसा महसूस होता था कि हम लोगों को देख के लोग आते हैं, बहुत इंडिया से उनको प्यार था, है, और बहुत बड़ी बड़ी फोटोज लगती थी हर तरफ, जब भी कोर्स शुरू होता था तो वो लोग एडवर्टाइजमेंट कर देते थे, बस भारत की बहन है ना, उसको बैठ के देखते रहो।
बस वो उनको लगता था कि ये तो देवियां आ गई हैं, भावना भी थी, तो लगा कि ये तो जैसे कि हम हैं सामने। अब इन आत्माओं को अगर राजयोग सिखाना होगा, क्योंकि राजयोग जो है वो इंडिया का तो नहीं है ना, राजयोग तो शाश्वत ज्ञान है, परमात्मा के महावाक्य हैं, एक सच्चा गीता ज्ञान है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की विश्व की संस्कृति है, आदि संस्कृति है। तो वो आदि संस्कृति को इन आत्माओं द्वारा ही इनका समाज सुने, तो उसके लिए हमें पीछे मुझे पीछे होना पड़ेगा। तो फिर उस समय बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू किया कि अब ये लोग सुनाएं ज्ञान, ज्यादा से ज्यादा कोर्स ये कराएं। और जिसको कहते हैं ना कि भगवान ने हमें सितारे बनाया, फिर हमें अभी इनको पहले सितारा, इनके भाग्य का सितारा चमकाना है, और ये सेवा शुरू की। तो तब अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिखाया और सीखते भी गए, बाबा की दुआएं भी मिलती रहीं, तो हर साल दादियों के आने से हर चीज भी सीखने को मिली। और यज्ञ का जो रूप है, क्योंकि यज्ञ हमारा ये धर्म, सनातन धर्म की संस्कृति स्थापना करने का भी मॉडल है और भविष्य राजधानी का भी मॉडल है मधुबनिया के। तो मैंने शुरू में जैसे बोला कि मधुबन से आने के बाद कभी घर वापस नहीं गई, सेंटर पर ही रह गई, लेकिन सेंटर पर भी जो मन था वो मधुबन में, कि आज दिन तक भी जो मन है वो मधुबन में, मधुबन से मैं वापस नहीं गई हूँ, सब कुछ मधुबन में है। तो जहां भी है वहां भी मधुबन हो, वो भी उसका दिनचर्या मधुबन जैसी चले, मधुबन जैसा सब कुछ होना चाहिए। तो मधुबन 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 ये मन में हमेशा रहा है, और हम जो भी विश्व में कर रहे हैं वो मधुबन को विश्व के सामने प्रत्यक्ष करने के लिए कर रहे हैं। तो मधुबन स्थान नहीं है, मधुबन स्थिति है, और वो स्थिति जहां है वहां मधुबन है। और लेकिन भगवान की कार्य भूमि के रूप में ये जो आबू स्थल है, तीर्थ स्थल है, जहां वो स्वयं आकर के हम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुए हैं, तो अब तो हम बच्चों को अपने जीवन से, उन यज्ञ की मर्यादाओं से उसको प्रत्यक्ष करना है। तो इसमें दादियों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। यहाँ पर शुरू से ही हर एक को ये समझ रही, क्योंकि उनके आने से जिस प्रकार की सारे दिन की दिनचर्या चलती थी, विदेशों के बहुत से स्थानों पर ये था कि भोजन बनाने में रुचि ना रखने के कारण, रुचि में भी क्या कहेंगे, क्योंकि अगर आप जीवन के एक हिस्से में उन्नति करते हो तो दूसरा हिस्सा जरूर पीछे छूट जाता है। तो वो पैसे कमाने में, मैटेरियलिस्टिक लाइफ में या समाज में बहुत उन्नति, कैरियर बनाने के कारण, तो फिर घर बनाना और भंडारा बनाना, घर बनाना और भंडारा बनाना माना समाज बनाना, ये है यज्ञ की संस्कृति। और हमारे यज्ञ के अंदर 80% एनर्जी, ध्यान और मेहनत वो किचन पर होती है। पर आत्माओं को, भगवान के बच्चों को पवित्र भोजन मिले उसके लिए बहुत ध्यान रखा जाता है, मेहनत की जाती है, बनाया जाता है, खिलाया जाता है, भोग दिया जाता है, टोलियां खिलाई जाती, ये सब भी बहुत जरूरी है। और साथ साथ यज्ञ के अंदर एक एनर्जी है जिसको कहते हैं रॉयल्टी। ये किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के आधार से बनाया हुआ नहीं है, जैसे कहते हैं ना ये टाटा की शॉप है, बिरला की शॉप है, या किसी और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की शॉप है, उनका स्टाइल है, उनका ब्रांड है। ये आत्माओं के ब्रांड के हिसाब वाले वाले सेंटर्स नहीं है। हाँ, अगर मैं उसको मेरा सेंटर नहीं समझती तो, मेरा समझती हूँ तो वो फिर इसके स्टाइल से चलेगा, इस बहन भाई के स्टाइल से चलेगा, लेकिन यज्ञ में मेरा नहीं है। यज्ञ जो है वो मधुबन है, भगवान का को प्रत्यक्ष करने का स्थान है। तो वो जो एनर्जी है यज्ञ की,
वो है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी माना हर एक चीज की का एक लेवल है, ना ही भिखारी ना ही गरीब से जैसे कि देखने में आए कि क्या है, और ना ही पॉश फालतू खर्चा। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता जो है वो समाज से, संबंधों से और पदार्थों से दूर नहीं ले जाती है। ये बाबा ने जो हमें इतना विधि से सिखाया है कि अगर पैसा नहीं है, कमी है, आप पवित्र आत्मा हो, ब्रह्मचर्य हो, ईश्वर के साथ संबंध में हो, ईश्वर के साथ संबंध में हो, खाली भावना में नहीं हो, संबंध में हो, और उसने जो सिखाया है उस जीवन को जी रहे हो, और आपके पास पैसे नहीं है, इम्पॉसिबल। मतलब ये डिसकनेक्टेड बातें। भगवान के बच्चे हो, पवित्र हो, उसकी श्रीमत करते हो, तो आपके पास जरूर आवश्यक संपत्ति और देने के लिए भी होगी जरूर। ये जो है ये रॉयल्टी की निशानी है। और साथ साथ जो कुछ भी होता है वो एक सेंटर की धरोहर नहीं है, लेकिन वो विश्व सेवा के लिए। ये जो ये हमारी बुद्धि में भगवान ने भर दिया ना, जो कुछ भी आप करते हो वो विश्व सेवा में लगे, विश्व की सेवा करो, ये भावना से। तो हम में से कोई भी नहीं सोच सकता कि जो हमने करना था कर लिया और उसको बढ़ाना है, क्योंकि विश्व तक पहुंचाना है ना। तो ये वाली बातें जो थी बाबा ने इन आत्माओं के द्वारा, इन अष्ट शक्ति आत्माओं के द्वारा, हमारे जो बड़े भाई हैं, भाई साहब तो थे ही फाउंडेशन में, लेकिन निर्भय भाई साहब, ब्रजमोहन भाई साहब, रमेश भाई साहब, उनके आना और किस प्रकार की उनका रहना, और हर एक की अपनी अपनी जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं से हर क्लास को श्रृंगारना, ये अहोसौभाग्य इन आत्माओं का रहा है। आप कोई मुझे टाइम का भी बताइए, व्हाट इज द टाइम? स्कूल का रेमिनिस्चेस, आप लोगों का टाइम कितना था मेरे पास? या टाइम मत देखो दीदी, कोई बात नहीं, सुनाओ। वो क्योंकि मुझे भाई इशारा करता है टाइम हो गया आपका। अभी यहाँ 6:30 हुआ है, हो गया है, लेकिन आप सुना सकते हैं दीदी, एक आप अच्छी लहर में है और इसको कंटिन्यू करें, कोई बात नहीं। ओके, अरुणा बहन, परमिशन है? ओके, ठीक है। तो जब ये जो राजधानी स्थापन करते हैं भगवान विश्व के अंदर में, और ये जो शक्ति राज्यों के द्वारा बच्चों को देते हैं, जिसको हम कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्कृति, तो ये अंदर में दिखाई पड़ा। क्योंकि भाई साहब जब आते थे पहले 10 साल में, तो अपने आप ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो सांस्कृतिक कैपिटल ऑफ रशिया है, जैसे बॉम्बे है, इकोनॉमिक कैपिटल भी है और कल्चरल कैपिटल भी है, तो पीटर्सबर्ग रशिया की कल्चरल कैपिटल है। तो अपने आप ही भाई बहने, जैसे ही पता पड़ा कि चलो भाई साहब आएंगे, कोई भी दादी आएंगी, तो आपस में प्लान बना करके कुछ आइडियाज लेके आके बैठते थे, कहते थे हम ये करना चाहते हैं। तो हमने कहा अच्छा करो। तो भाई साहब के आते ही 1 घंटे का कल्चरल प्रोग्राम तैयार होता था। तो वो कल्चरल प्रोग्राम क्या होता था, जो भी वो क्लासेस करा के गए हैं उसकी एक एक गहरी से गहरी बात वो उसको ड्रामा बनाते थे, उसका ड्रामा बनाते थे। तो भाई साहब ने जब पहली बार उनका ड्रामा देखा तो एकदम, तो भाई साहब ने कहा मैं तो यही तो चाहता था, कहते मैं यही तो चाहता था कि ज्ञान के ऊपर ऐसे ऐसे ड्रामास बने और ड्रामास द्वारा, कल्चरल प्रोग्राम द्वारा बाबा का ज्ञान स्पष्ट कराया जाए। तो बॉम्बे से उषा दीदी और रमेश भाई शुरू तो उन्होंने किया, लेकिन विदेश में तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं था। तो ये जब इन्होंने किया तो भाई साहब ने बहुत आशीर्वाद दिए, कहा कि ये तो बाबा का जो नाम है वो इससे संस्कृति कार्यक्रम से जरूर बाला करेंगे। अब ये जो बात है कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति,
जब भगवान ने आकर के ज्ञान देना शुरू किया तो शुरू में काफी विरोध हुआ कि शायद ब्रह्मा कुमारीज जो हैं वो हिंदू धर्म के कुछ अलग से बातें बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो ज्ञान है पूरे विश्व को, ये जो धर्म की धरोहर है जिसको अभी हिंदू धर्म किसी ना किसी परसेंटेज में संजोग के बैठा हुआ है, उसका जो वास्तविक रूप है, जो सचमुच देवी देवताओं के जीवन वाला रूप है, वो विश्व तक ऐसे कैसे पहुंच जाएगा अगर हम लड़ते झगड़ते रहेंगे, हम कहेंगे हम ही सही हैं सिर्फ। लेकिन हम सही हैं तो हैं तो हम इंसान, लेकिन हम सब विश्व की आत्माओं का बाप एक है, तो एक बाप के बच्चे कोई इस टुकड़े में तो नहीं हो सकते। कोई ना कोई तो एक ऐसी मान्यता होगी जिसको पूरा विश्व स्वीकार कर सकता है। तो अंदर में बहुत था कि भारत का जो संस्कृति है उसको ये आत्माएं अच्छी तरह से समझ करके फिर उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा सेवा करें। तो ऐसे करके एक ग्रुप अपने आप बन गया 20-30 भाई बहनों का, जिसका फिर नाम रखा गया डिवाइन लाइट कल्चरल ग्रुप। ये तब हुआ जब उषा दीदी आए यहाँ पर, रमेश भाई साहब और उषा दीदी आए, तो बड़ों के आने पर सब लोग ये कार्यक्रम करते थे, ड्रामा बहुत वंडरफुल करते थे। जब वो आए तो वो तो पवित्र युगल थे और उन्होंने मुरलियों में सुना हुआ था कि क्या विशेषता है उनकी, उस प्रकार से उन्होंने कार्यक्रम किया। तो उषा दीदी ने तो कहा मुझे इनको भारत में ले जाना है, मुझे इनको पूरे भारत की सेवा करानी है, मुझे इनको वहां पर बाबा का प्रतिष्ठा में यूज करना है। ऐसे करके उन्होंने स्टेज पर बोला, बहुत उत्साह दिलाया। तो तब शुरू हुआ भारत में जाना इस ग्रुप का। तब से लेकर अभी 2020 में 10 साल पूरे हुए, 10 साल की जुबली मनाई, 30 साल रशिया सेवा को, 10 साल इस ग्रुप को। तो ये जो बाबा की सेवाएं यहाँ चल रही हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पूरा ये शहर खत्म हो गया था, बहुत से शहर खत्म हुए लेकिन कुछ कुछ रहे, ये पूरा शहर खत्म हो गया था। फिर जैसे कि कब्रों पर बना हुआ ये शहर, उसकी भी कहानी है कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पूरा विश्व दूसरा होता अगर रशिया ने उसके ऊपर में जीत नहीं पाई होती, और वो सेंट पीटर्सबर्ग से जीत हुई क्योंकि -40-50 तक जाने के कारण टेम्परेचर, इन लोगों की आदत थी रहने की, जर्मन की जो सेना थी उनकी आदत नहीं थी इतनी ठंडी में, तो यहाँ पर आके वो लोग हारे और तब विश्व का नक्शा दूसरा हो गया। नुकसान बहुत हुआ रशिया का, 20 लाख लोग मरे, और उसके मरने के बाद ये तो सिर्फ संख्या है काउंट की हुई, बदल जाता है, देश भी बदल जाता है। तो वॉर हिस्ट्री जिस भी कंट्री की हो, वॉर हिस्ट्री की कॉम्प्लिकेशन साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कोई भी परिवार पूरा नहीं, ज्यादातर भाई चले गए, ज्यादातर पुरुष बोले जिसको, पुरुष चले गए, लड़के चले गए, तो जैसे कि डिसबैलेंस बहुत साल तक, 30-40 साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिसबैलेंस रहा, महिलाएं ज्यादा हैं और पुरुष कम हैं। तो पुरुष कम है माना फिर परिवार भी आगे कम है और जनसंख्या भी आगे बढ़ी नहीं ज्यादा, धीरे धीरे बढ़ती है। अब ब्रह्मा कुमारीज तो विश्व का ध्यान रख रही है और परमात्मा जो है विश्व को पवित्र बनाना चाहता है, तो पवित्रता की जो फिलॉसफी है, ब्रह्मचर्य की जो फिलॉसफी है, वो लेकर के वो अपने बच्चों के पास आया है पवित्रता का स्तंभ उनके जीवन में लाने के लिए। और जो देश की गवर्नमेंट है उसकी भावना है, उसकी इच्छा है, उसकी प्लानिंग है, उसकी स्कीम है कि जितने ज्यादा बच्चे पैदा करो उतनी जो अच्छी बात है। तो दोनों का टक्कर हो गया ना। तो अब हम लोगों को जब वो मिलते तो हमेशा ये समझते थे कि ये तो बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश से आए हुए हैं, तो बहुत हमें प्यार से देख के, बहुत भावना से वो समझते थे कि हम इनसे राज पूछें कि इतनी बड़ी जनसंख्या का राज क्या है वहां पर, बताओ हमको जिससे हमारा यहाँ हो जाए। तो मैं ये सोचती थी बाबा ये तो फंसा दिया,
क्योंकि ये तो हमको इंडियन के रूप में देख रहे हैं, तो इंडिया में जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन आप तो जनसंख्या ठीक करने के लिए आए हुए हो। तो फिर दूसरी बात, उनको भारत से प्यार परिवार की संस्कृति के कारण भी बहुत था, क्योंकि देवी देवता धर्म की संस्कृति माना, विकारों से संन्यास पूरा, परिवार से संन्यास नहीं, कर्म से संन्यास नहीं, तो इतना उनको अच्छा लगता है परिवार की संस्कृति। तो वो ये प्रश्न पूछते थे कि कैसे वहां पर परिवार चलते हैं, क्योंकि फिल्में जब आती थी इंडिया से, इंडिया की फिल्मों को देख के वो लोग रोते थे, क्योंकि हर बार उसमें कोई ना कोई माँ ने बलिदान किया। माँ इंतजार करती है जब तक पति आए, बच्चे आए, फिर वो खाना खाती है, तो ये तो सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कि कोई इनके लिए इंतजार करेगा, खाना नहीं खाएगा या कोई बलिदान करे, कोई इम्पॉसिबल, एकदम डिटैचमेंट है और कोई ऐसा व्यक्त करते नहीं है स्नेह को। तो ये संस्कृति देख करके उनको लगता था ये कोई दूसरे प्रकार के लोग होते होंगे। तो जब हम आए तो वो सारा प्यार उन्होंने हमारे पर उड़ेल दिया, वो जो पूरे इंडिया की माताओं बहनों को प्यार मिलना था वो हमको मिला, क्योंकि एक वो भारत की नारी आ गई, वो बस वो साड़ी डाली और सामने खड़े हो जाओ, बस कुछ नहीं चाहिए उनको, बैठ जाओ, बैठे रहेंगे 2 घंटा देखते रहेंगे। तो वो जैसे कि अपने आप ही दैवी संस्कृति की जो भासना है, भावना है, वो अंदर में इनकी बैठी थी, वो बाबा के आने से एकदम से दिखाई पड़ी। तो ये सेवा शुरू हो गई और जितने जितने हमारी गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट हुए, तो बहुत जनसंख्या में डिफरेंस होने के कारण माताओं बहनों का, तो बाबा को तो माता ही चाहिए, बाबा को तो माता ही चाहिए, तो माताएं तो इतनी यहाँ पर, तो माताओं ने सब संभाल लिया। अभी 30 डिपार्टमेंट है सेंटर पर, वो सब माताएं अपना काम करती हैं, रिसेप्शन करना है, भोजन का करना है, सफाइयाँ हैं, कुछ भी सेवाएं हैं बोलने करने की, सब माताएं अपने आप घर से आने वाले भाई बहने सब करते हैं। परमानेंट भी सेंटरवासी भी हैं, लेकिन वो लोग सब करते रहे काम। लेकिन बहुत ज्यादा एज वाला ग्रुप जनसंख्या का होने के कारण यहाँ पर, तो पेंशनर्स की सेवा बहुत हुई, जिसको कहते हैं ना ओल्ड एज सर्विस जो है। तो जितने जितने लोग थे हमारे पास, 110 हैं पेंशनर्स, लेकिन वो एक एक 10-10 का काम करता है अभी तक भी, शरीर से भी बहुत मेहनत करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, मधुबन के लिए भी कमाते हैं, जॉब नहीं छोड़ते, 70 साल के होके भी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि बाबा के लिए भी उनको निकालना है। तो जब जमीन मिली, उसकी भी बड़ी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। तो जब जमीन मिली तो दादी जानकी आए, तो बिल्डिंग बनाने की जब बात हुई तो दादी ने कहा, हाथ खड़े किए, तो 70 तो इंजीनियर हैं। फिर दादी ने बड़े प्यार से भंडारी में लंदन की तरफ से एनवेलप उसमें डाला, शुरुआत की, इसको कहते ना क्या बोलते हैं उसको, जब अच्छा मुहूर्त निकाला उसका, मुहूर्त अपना वो डाल के एनवेलप कि अब जो है अच्छी सेवा हो जाए, अभी जल्दी जल्दी बन जाएगा, तो बन भी गया। तो उस समय सब ने, एक एक ने दादी को देखते ही इतनी अच्छी तरह से, अगले ही दिन दादी के होते ही सब ने कुछ ना कुछ, जो कुछ भी उनके पास था अपना, आकर के उन्होंने भंडारी में कंस्ट्रक्शन के लिए डाला। तो कंस्ट्रक्शन के लिए किसी के पास ये था, किसी के पास ये था, किसी के पास ये था, किसी के पास पैसे थे, किसी के पास, तो शायद किसी एक माता, बहुत बूढ़ी माता थी, उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने भंडारी में एक पुड़िया डाली। तो जब पुड़िया खुली तो इतनी छोटी सी पुड़िया थी, उसके अंदर एक और पुड़िया, उसके अंदर एक और पुड़िया, फिर एक और पुड़िया, फिर उसमें से निकला सोने का दांत। तो मतलब उसके पास कुछ नहीं था, उसने अपना दांत निकाल के सोने का बाबा की बिल्डिंग के लिए डाला। और वो ये इसलिए मजबूत है, इसलिए यहाँ पर आते ही सबको लगता है जैसे कि बाबा बैठा हुआ है, खुद बैठा हुआ है। तो ये ऐसे पेंशनर्स हैं यहाँ पर
जो अपना ध्यान, अपना तो ध्यान तो खैर होगा ही क्योंकि बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान कर लेते हैं, तो उन्होंने ये वाला जो प्रोसेस शुरू किया कि हम अपने शहर के पेंशनर्स को अपने अनुभव सुनाएंगे, अच्छी तरह से उनकी सेवा करेंगे। तो यहाँ के चेयरमैन थे सोशल कमेटी के, उनके साथ हमारे जो रिलेशन बने हैं वो एग्जाम्पल, अपनी हर मीटिंग में कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसको देखो, कोई फंड्स नहीं मांगते, कुछ नहीं, सब अपने आप काम कर रहे हैं, एकदम बेस्ट चला रहे हैं, कोई भी ऐसी समाज संस्था नहीं है जैसी ब्रह्मा कुमारी से। ब्रह्मा कुमारी इसको देखो कैसी बिल्डिंग खड़ी कर रही है, गवर्नमेंट की भी ऐसी बिल्डिंग है, ब्रह्मा कुमारी इसको देखो कैसे काम चलता है। तो क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉस है वो तो बड़ा ही टाइट रखने वाला है हमको, उसका एक एक कागज, एक एक अकाउंट, क्योंकि हमारा अकाउंट गवर्नमेंट के पास जाता है क्योंकि हम रजिस्टर्ड हैं यहाँ पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, तो इस कारण से वो जो अकाउंट है उसकी सारी जो चेकिंग होती है वो चेकिंग वो करते हुए जब वो एक्यूरेसी उसकी देखते हैं, इतनी बढ़िया एक्यूरेसी और सिस्टमेटिकली बना हुआ है, तो वो एग्जाम्पल देते हैं दूसरों को कि देखो इनका ना ही कभी कर्ज रहता है, ठीक टाइम पर सब बिल आते हैं और एकदम टॉप क्लास, खूब टेस्ट भी किया है सरकारी संस्थाओं ने और जुडिशियल ऑर्गन्स ने, खूब टेस्ट किया है, ऐसा टेस्ट किया है कि जिसको हम कहें धर्मराज का सबसे सख्त रूप, कि जिसको हिला के रख दे, ऐसे ऐसे रूप में भी उन्होंने हमारी संस्था के कागजों की और अंदर की एक्टिविटी की बहुत चेक किया है, तंग भी किया है और कैंसिल भी किया एक बार रजिस्ट्रेशन, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इतना वंडरफुल कि भगवान जी ने जो ये बनाया है, यज्ञ सिस्टम बनाया है, विधि बनाई है हर काम को कैसे चलाना है, वो जैसे कि इन एडवांस प्लान सारा थिंकिंग, उसके बियॉन्ड कोई एक्यूरेसी है ही नहीं, तो जब इतना एक्यूरेसी से चलता है तो गड़बड़ कहाँ से होगी। तो हम निश्चिंत होकर के हर चीज को क्रॉस करते गए और ये सब चलता गया और अभी बहुत अच्छा मानते हैं ब्रह्मा कुमारी इसको। अभी रशिया में, ये जो पूरे विश्व में लॉकडाउन का एटमॉस्फेयर है कोरोना की वजह से, तो 130 भाई बहने हम वहाँ पर मधुबन में थे जब ये हुआ शुरू कोरोना का, और बंद भी हो गया और रशिया की जो हमारी फ्लाइट्स बुकिंग थी वो कैंसिल भी हो गई और हम जा नहीं सकते, ये और दूसरी कहानी है, उसको नहीं छेड़ेंगे अभी, नहीं तो सब कहेंगे भोजन नहीं खाया। तो लेकिन उस समय जो सहयोग हमें मिला, जबकि आ ही नहीं सकते हैं लोग, फ्लाइट ही नहीं चल रही है तो क्या करें, तो जो रशियन एम्बेसी ने सहयोग दिया और जिस प्रकार से बाकी सब हुए तो वंडरफुल है। तो ये हमें लगता है कि हम भगवान ने अच्छी तरह सिस्टमेटिकली समझ दे के कैसे सेवा करनी है विश्व की, और पॉलिटिकली स्ट्रांग बनने के लिए हमें प्रोफेशनल, ऐसे नहीं कि काम चलाओ काम, सेंटर का हर काम, तो वो जो है हर एक प्रोफेशनली चले, उसकी जिम्मेवारी हम सब पर है। कोई भी ये नहीं समझे कि हम तो घर में रहने वाले हैं, हमारा क्या है इसमें काम, नहीं, हर कोई अगर अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से चलाता है तो मैं समझती हूँ वो दिन दूर नहीं है जबकि हमें ब्रह्मा कुमारी को, किसी को भी एक सीरियस संस्था जिसको कहें जिम्मेवारी देश के लेवल का हित सोचने वाली संस्था, कोई मुकाबला तो नहीं है ना, कितना पवित्र परिवार है और ऐसी माताएं हैं, ऐसी बहनें हैं जो सिर्फ देने की ही भावना रखती हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब इन नियमों से, इन धारणाओं से जो भगवान को दृश्य दिखाना है कि हमारा देश जो है भारत और विश्व फिर से स्वर्ग बने, तो वो दिन दूर नहीं।